नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी पुस्तक लेकर आया हूँ जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, सवाल आपके जवाब सूर्य सिन्हा के। ये 12 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया सूर्य सिन्हा जी से कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या विचार रखते हो? दोस्तों इसका जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में मैंने काफ़ी रिसर्च की है और इस पर आधारित फंक्शंस और मीटिंग्स को भी मैंने अटेंड किया है। मेरे कुछ करीबी मित्र भी नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को देखने और समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा व्यवसाय है जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस की खूबसूरती और अच्छाई और शक्ति को पहली बार में ही नहीं समझ सकता। इसे समझने में समय लगता है। इस व्यवसाय को करते हुए आपसे कई तरह की गलतियां भी हो सकती हैं तथा कई तरह की शंकाएं और प्रश्न भी आपके दिमाग में आ सकते हैं, मगर जब आप इसके सिस्टम को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है और सामने आए प्रश्नों के उत्तर भी धीरे धीरे आपको मिलने लगते हैं। USA में लगभग 10 लाख लोग करोड़पति हैं, उनमें से 20% पिछले वर्षों में नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा करोड़पति बने हैं। ऐसा इसलिए संभव हुआ है कि वे पूरी लगन के साथ इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगला सवाल क्या है, यह नेटवर्किंग क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों इसका जवाब भी आइए जान लेते हैं क्या है। सूर्य सिन्हा जी कहते हैं, आसान शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है। इस प्रकार नेट यानी जाल की भांति विभिन्न दिशाओं के लोग इससे जुड़े रहते हैं और देखते ही देखते अच्छे और प्रगतिशील लोगों का एक जाल बन जाता है। इस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हुए वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम दुनिया में एक सशक्त वित्तीय शक्ति के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। जो लोग भविष्य में अपना बिजनेस करना चाहते हैं और अपने आर्थिक भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हें इस उद्योग में शामिल होने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। दोस्तों अगला सवाल क्या है, आइए देखते हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसे कैसे करते हैं? सूर्य सिन्हा जी कहते हैं, यह एक ऐसा सफल व्यवसाय है जिसे सीखकर आप दूसरों को भी सिखाएं, जिससे आपके पास हमेशा हमेशा के लिए पैसा आने लगे। तब आपको कैसा लगेगा? निसंदेह आपको अच्छा ही लगेगा। यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे पूरी दुनिया के लोग स्वीकार करने लगे हैं। आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मिलेगी ही, इस बात में कोई शक नहीं रहा। इसका कारण यह है कि इस व्यवसाय में जो भी व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करते हुए सीखता रहा और दूसरों को सिखाता हुआ अपने साथ जोड़ता चला गया और उसे कामयाबी अवश्य मिली है। वैसे यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा जानना चाहते हैं तो सीधे और सरल शब्द में कहा जा सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपने और अपने उपभोक्ताओं के बीच किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहती। मसलन स्टॉकिस्ट, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर आदि के रूप में वे सिर्फ यह चाहती है कि हमारे उपभोक्ता से हमारा सीधा संवाद हो और जो लाभ स्टॉकिस्ट, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर और रिटेलर कमा रहे हैं वह लाभ सीधे उपभोक्ता को मिले। यह एक ऐसी बिजनेस प्रणाली है, व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कंपनी के उत्पाद बेचने एवं सेवाएं प्रदान करने का अधिकार होता है। साथ ही वे दूसरे लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर नियुक्त कर अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। काम करने का यही तरीका एक दूसरे तक तथा दूसरे से तीसरे तक तथा तीसरे से चौथे तक बढ़ता रहता है और आपको उन सभी लोगों के बिजनेस पर भी बोनस मिलता है जिन्हें आपने अपने साथ जोड़ा हुआ होता है। इस बिजनेस की यही खासियत है कि आप बहुत ही कम समय में अपने साथ सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स जोड़ सकते हैं जिनके बिजनेस वॉल्यूम पर आपको भी बोनस एवं कमीशन मिलता है। जो लोग यह सोचते हैं कि वे इस बिजनेस को ज्वाइन करते ही अमीर बन जाएंगे तो उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस बिजनेस के भी कुछ नियम हैं, नीतियां हैं, सिद्धांत हैं और तकनीक हैं जिनका प्रयोग करने के बाद ही इस बिजनेस में सफलता पाई जा सकती है और उन्हें अपनाकर ही वे अमीर बन सकते हैं।
चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। सूर्य सिन्हा जी से अगला सवाल क्या पूछा गया, वो सवाल है नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या फायदे हैं। तो सूर्य सिन्हा जी ने क्या कहा, सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि यह बिजनेस आपको स्वावलंबी बनाता है, आपके भीतर आत्मविश्वास उत्पन्न कराता है, आपकी शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, अच्छी सोसाइटी और अच्छे पढ़े लिखे लोगों की संगत मिलने के कारण आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरता है, आप मैनर्स सीखते हैं, आपके बैठने खाने और बातें करने का अंदाज बदल जाता है। इस सब के साथ साथ आपको मिलती है आर्थिक स्वतंत्रता यानी गुलामी से मुक्ति। यहाँ से मैं स्पष्ट कर दूं कि इस व्यवसाय में आप अपना वह समय लगाएं जिसे अब तक आप बर्बाद करते रहे हैं, यानी नौकरी पर जाने से पहले का और नौकरी पर से आने के बाद का समय। इस खाली समय का सदुपयोग करके यदि आपको अपनी मेहनत से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है तो इसमें बुराई क्या है। इस व्यवसाय की बदौलत आपका स्किल बढ़ता है, नए नए लोगों से आपकी भेंट होती है और आपको एक अलग व्यक्ति तक के रूप में लोग जानने लगते हैं। आज के इस दौर में हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, मगर कुछ लोगों को रास्ते नहीं मिलते। यह व्यवसाय आपको धन और सम्मान कमाने का एक सुलभ रास्ता उपलब्ध कराता है। क्या इसे आप कम फायदेमंद मानते हैं? यह सीखने और सिखाने का बिजनेस है। इस बिजनेस को करते हुए सीखने और सिखाने की जो कड़ी बनती है उससे ही इस बिजनेस को करना बहुत ही आसान हो जाता है। अतः इस बिजनेस में सफलता के लिए सीखने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेटवर्कर पैसा कैसे कमाते हैं, कंपनी यह पैसा क्यों और कैसे बांटती है। दोस्तों सूर्य सिन्हा जी ने क्या कहा, कोई भी कंपनी पैसा अपने घर से नहीं देती, कंपनी पैसा तभी देती है जब कंपनी के उत्पाद बिकते हैं। साधारण बिजनेस में स्टॉकिस्ट, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर्स, विज्ञापन आदि के लिए पैसा खर्च होता है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में इन मदों में होने वाले सभी खर्च बच जाते हैं। यही बचा हुआ पैसा कंपनी कमीशन एवं बोनस के रूप में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांट देती है। ज्यादातर नेटवर्कर्स इसी बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि उन्हें डिस्काउंट पर सामान मिल जाता है और वे इन्हीं उत्पादों को अपने पड़ोसियों एवं जान पहचान वालों को बेच देते हैं, परंतु उन्हें इसके असली लाभ का पता ही नहीं होता। नेटवर्कर को असली आमदनी तब प्राप्त होती है जब उसका बिजनेस बढ़ने पर उसे बोनस मिलना आरंभ हो जाता है। बोनस बांटने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक निश्चित हिस्सा सुरक्षित रहता है जो नेटवर्क के सदस्यों को मासिक या वार्षिक अवधि में मिलता रहता है। कंपनी बोनस का बंटवारा किसी एक नेटवर्कर के व्यक्तित्व बिजनेस के आधार पर नहीं करती, बल्कि उसके पूरे ग्रुप द्वारा किए गए बिजनेस के आधार पर करती है। जो लोग इस व्यवसाय को महत्वपूर्ण व विशेष सफलता देने वाला व्यवसाय मानकर कार्य करते हैं वही लोग इस व्यवसाय में एक दिन अवश्य सफल होते हैं। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जहां तक मैंने देखा है और सुना है कि लोगों को विचार इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ठीक नहीं है। सीधा सा अभिप्राय क्या है इस क्वेश्चन में कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो लोगों की मानसिकता है वो ठीक नहीं है, तो इस पर सूर्य सिन्हा जी ने क्या कहा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर आप पूछें तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे। कारण साफ है कि उन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ठीक से अध्ययन ही नहीं किया और न ही कभी उसे समझा। जैसे कि एक बार मैंने एक कहानी सुनी थी कि चार अंधों को एक हाथी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ यह हाथी दिखने में कैसा लगता है। तब एक अंधे के हाथ में हाथी का पाँव आता है तो वह कहता है कि यह खंभे जैसा है। दूसरे के हाथ में हाथी की पूंछ आती है तो वह कहता है कि यह सांप जैसा है। तीसरे के हाथ में हाथी की सूंड आती है तो वह कहता है कि यह एक बड़े पाइप जैसा है। चौथा जिसके हाथ में हाथी का कान आता है वह घोषणा करता है कि यह तो ताड़ के पत्ते जैसा है। इस प्रकार चारों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। चारों अपने अपने अनुभव को ठीक बता रहे हैं, मगर हाथी को पूर्ण रूप से चारों में से किसी ने नहीं देखा, मात्र एक हिस्सा छूकर अपना मत स्थापित कर लिया कि हाथी वैसा ही है जैसा मैंने अनुभव किया, दूसरा मुझे बेवकूफ बना रहा है। ठीक इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में लोगों के अलग अलग अनुभव और विचार हैं। किसी को लगता है कि यह मेंबर बनाने की कोई स्कीम है, किसी को लगता है कि प्रोडक्ट बेचने का कोई काम है, किसी को लगता है कि यह पैसा ठगने का काम है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ लगता है।
इस प्रकार अधिकांश लोगों को इस बिजनेस की शक्ति का अंदाजा ही नहीं लग पाता है। बहुत से आपको जानकर प्रारंभ में इस व्यवसाय को साथ जुड़ने के लिए आपको मना कर सकते हैं, साथ ही आपके इस व्यवसाय से जुड़े रहें और निरंतर आपके अपने कार्य को करते रहें तो भविष्य में वही लोग आपकी सफलता को देखकर अपने आप ही जुड़ने की कोशिश करेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो अगर आप लगे रहते हैं, कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, तो वही लोग जो आपको आज मना कर रहे हैं तो आने वाले समय में वो आपके साथ होंगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य उज्जवल है? तो दोस्तों सूर्य सिन्हा जी ने क्या कहा, जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और भविष्य में यही व्यापार नीति तेजी से विकसित होगी। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग इसकी शक्ति को जान चुके हैं। पढ़े लिखे और तरक्की पसंद लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से इस बिजनेस को सीखते व करते हुए निरंतर सफलता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की अग्रणी कंपनियों में भी अपने उत्पाद बेचने के लिए अब नेटवर्क मार्केटिंग की नीति को अपना लिया है। दुनिया की 1000 से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पाद और सेवाओं की मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के द्वारा कर रही है। कई विद्वान नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली पर शोध कर चुके हैं। आज पूरे अमेरिका के स्कूलों में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रणाली पढ़ाई जाती है और यह सिस्टम बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। आप अपने गुजरे हुए बुरे वक्त के बारे में न सोचें, जो बीत गया सो बीत गया, उस वाला नजरिया रखकर अगर आप आज आप अपने शेष जीवन को ध्यान में रखते हुए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके प्राप्त अवसरों का सही लाभ उठाएं तो अवश्य ही आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं कि हम पिछले जो बीत गया है उसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कभी लौट कर नहीं आता। जो बीत गया है जमाने वो वापस नहीं आते, तो आगे की सोचनी चाहिए। आने वाला समय हमें ठीक करना कैसे है उसके बारे में सोचना चाहिए। पीछे की सोचोगे तो पीछे ही चले जाएंगे। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य सिन्हा जी से क्या पूछा गया है, आप नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? तो सूर्य सिन्हा जी ने क्या कहा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की तारीफ करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया है और यही इस बिजनेस का पहला फायदा है। आपको कंपनी के बिजनेस प्लान, कमीशन प्लान व बोनस प्लान के लालच से आगे बढ़कर यह देखना चाहिए कि क्या यह कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को शिक्षित करने में दिलचस्पी लेती है या नहीं। कहीं कंपनी आपको सिर्फ एक सेल्समैन तो नहीं बना रही, इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगाना होगा। 3-4 घंटों का सेल्स लेक्चर सुनने और कंपनी द्वारा बनाए गए रंगीन कैटलॉगों को देखने से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपको यह जानने का प्रयत्न भी करना होगा कि कंपनी के एजुकेशनल प्रोग्राम्स कैसे हैं, कंपनी किस दर्जे के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करती है। अपना कुछ समय निकालकर उन ट्रेनर से भी मिलें जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण देते हैं। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इस बिजनेस में कितनी शक्ति है। आपके जीवन में दुखद बात यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते, दुखद बात तो असल में यह है कि आपके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं होता जिस तक आप पहुंच सके। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको एक लक्ष्य प्रदान कर मनचाही सफलता प्राप्त करने का अवसर देता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ लोगों का तो यह कहना है कि यह दूसरों को टोपी पहनाने का धंधा है। दोस्तों सूर्य सिन्हा जी ने इस क्वेश्चन पर उन्होंने अपना क्या मत रखा, क्या आंसर दिया, तो आइए जानते हैं। जी हाँ, उन लोगों का कहना बिल्कुल ठीक है कि यह दूसरों को टोपी पहनाने का ही धंधा है, मगर यह टोपी दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं पहनाई जाती बल्कि उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए बनाई जाती है। यह टोपी सबको सर्दी गर्मी और बरसात से तो बचाती ही है, साथ ही यह टोपी पहनने वालों में आत्मविश्वास भी जगाती है। इस टोपी को पहनने के बाद तो कई लोगों ने दूसरों की गुलामी और नौकरी छोड़कर अपना एक अलग अस्तित्व स्थापित किया है। इस टोपी को पहनने के बाद लोगों को आर्थिक आज़ादी मिलती है तथा परिवार सुखी और संपन्न होता है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़े हैं और आपको उसे करने में दिक्कतें आ रही हैं तो घबराइए मत। हमेशा यह ध्यान रखिए कि दिक्कतें सभी व्यवसायों में आती हैं, सभी काम में आती हैं, चाहे वे बहुत ही आसान और छोटे काम ही क्यों ना हो। इसे इस व्यवसाय को पूरी लगन, साहस और सूझबूझ के साथ करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
जब आप इस बिजनेस की इतनी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह बहुत ही खूबसूरत और अच्छा व्यवसाय है, तो दुनिया का हर एक व्यक्ति यह बिजनेस क्यों नहीं कर लेता? जिस प्रकार IAS, IPS, MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि की पढ़ाई व्यक्ति को समाज में सम्मान और धन दोनों ही दिलाती है, मगर फिर भी हर व्यक्ति इन क्षेत्रों में क्यों नहीं चला जाता और प्रत्येक व्यक्ति को इस क्षेत्र में सफलता क्यों नहीं मिलती? ठीक वैसे ही हर व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती। यह बिजनेस हर एक के लिए भी नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस के लिए सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति, कार्य के प्रति समर्पण भाव, कठोर परिश्रम, कुछ खास और कुछ नया कर दिखाने की लालसा और सपने और अपने सपनों को साकार करने का लगातार प्रयास करते रहने की आवश्यकता होती है, जो हर किसी में नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक साधारण आदमी को असाधारण बनाने का एक सशक्त माध्यम है। यदि कोई व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष तक इस व्यवसाय को मन लगाकर कर ले, तो वह अपने अब तक के जीवन में कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी जो कुछ प्राप्त नहीं कर पाया है, उसे वह इस बिजनेस को अपनाकर प्राप्त कर सकता है और अपने सभी सपनों को साकार कर सकता है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने वालों से कहा जाता है कि आपके बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आपको जीवन भर कमीशन मिलता रहेगा और आपके बाद यह कमीशन आपके नॉमिनी को मिलता रहेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात की क्या गारंटी है कि कंपनी ऐसा ही करेगी, और यदि भविष्य में कंपनी ने अपने वादे को अनुसार कमीशन नहीं भेजा तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो इस तथ्य को समझ लें कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले नेटवर्कर की कंपनी रीड होती है। उनके दम पर ही कंपनी अपने प्रोडक्ट को घर तक पहुंचाती है। जब कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हैं तो कंपनी कमीशन देती है। जो नेटवर्कर जितनी अधिक मेहनत करता है, उसे उतना ही अधिक कमीशन मिलता है। जिस डिस्ट्रीब्यूटर की टीम अच्छा काम कर रही होगी, कंपनी उसे खुशी खुशी कमीशन भला क्यों नहीं देगी? बात तो बढ़िया। जहां तक कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर की मृत्यु के उपरांत उसके नॉमिनी को कमीशन न दिए जाने वाली बात है, तो यह यदि कंपनी ऐसा करती है तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर में कंपनी के इस कदम का गलत संदेश जाएगा और वे वादा खिलाफी करने के कारण कंपनी को छोड़ देंगे। इससे कंपनी का पहिया जाम हो जाएगा और एक छोटी सी गलती के कारण वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या कोई कंपनी ऐसा रिस्क उठाएगी? संभवतः हरगिज नहीं। अतः इस शंका को आप मस्तिष्क से, अपने माइंड से निकाल दें। अच्छी कंपनियां ऐसी ओछी हरकतें कभी नहीं करती। आप विश्वासपूर्वक अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सूर्य सिन्हा जी से क्या पूछा गया? आपकी बात मान लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा है, मगर पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। पैसे से हम दुनिया की हर चीज़ तो नहीं खरीद सकते। मसलन सुख शांति पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इस पर आपका क्या कहना है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन पर सूर्य सिन्हा जी ने कहा, यह प्रश्न थोड़ा जटिल है, लेकिन प्रश्न है अच्छा। अक्सर हम लोगों को ऐसा कहते अवश्य सुने कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसे से ही बहुत कुछ खरीदा भी जा सकता है। सुख और शांति पैसे से ही खरीदी जाने वाली चीजें नहीं है, और न ही ये चीजें बाजार में बिकती हैं। सुख शांति का संबंध मन से है। यदि आपका मन खुश है, आप चिंता मुक्त हैं, आपके समक्ष कोई समस्या मुंह फाड़े नहीं खड़ी है, आपके आश्रित जन प्रसन्न हैं, उनकी सभी आवश्यकताएं समय पर और बिना किसी टेंशन के पूरी हो रही हैं, तथा अकस्मात खड़ी हो जाने वाली समस्याओं से निपटने में आप सक्षम हैं, तो सोचिए कि आपका मन दुखी क्यों होगा, अशांत क्यों होगा? उपरोक्त सभी आपूर्तियां आप धन से पूर्ण कर लेते हैं। यदि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपकी मेहनत के अनुसार भरपूर और आपकी अपेक्षा से अधिक धन मुहैया करा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? इससे साफ जाहिर होता है कि व्यक्ति की सुख सुविधा में धन की महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस हकीकत को आप झुठला नहीं सकते और न ही इस सच्चाई को नकार सकते हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि धन से सुख शांति नहीं खरीदी जा सकती। सुख के साधन 100% धन से जुटाए जाते हैं, और शांति सुख से उत्पन्न हुई मन की अनुभूति है। इससे सिद्ध होता है कि इनके मूल में धन ही है। हाँ, पाप कर्मों के कारण उत्पन्न हुई मन की अशांति धन से दूर नहीं हो सकती। यह आध्यात्मिक विषय है और इस प्रकार के पाप कर्म का निवारण प्रायश्चित है, धन नहीं। आज की
गला काट प्रतिस्पर्धा और भौतिक युग में धन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, इस बात को गांठ बांध लें। बिना नौकरी या व्यवसाय को छोड़े यदि कोई काम आपके सामने उपस्थित है जिससे आपको अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति की उम्मीद हो, तो आपको बिना देर किए तुरंत निर्णय लेना चाहिए और उसे तुरंत शुरू कर देना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी कुछ ऐसा ही बिजनेस है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे सूर्य सिन्हा जी से क्या पूछा जाता है। नीचे के लोग ऊपर वालों के लिए काम करते हैं, इसलिए उच्च स्तर पर बैठे लोग नीचे वालों पर काम करने के लिए दबाव डालते हैं, यानी मेहनत नीचे वाले करते हैं और ऊपर वालों को लाभ मिलता है। खासतौर पर फर्म को मालिक ही इस बिजनेस में अधिक अमीर होते हैं, क्या यह सच नहीं है? इसका आंसर सूर्य सिन्हा जी क्या देते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह मात्र गलत फहमी है। यह नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम ठीक से न समझने के कारण उत्पन्न होती है। इस गलत फहमी को आप फौरन मन से निकाल दें कि आप किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। जिस समय आप इस बिजनेस में प्रवेश लेने के लिए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं, उसी पल से आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर देते हैं। आप स्वयं ही अपने बॉस हैं और स्वयं ही कर्मचारी भी। आपके ऊपर कोई भी आपका सुपरवाइजर नहीं है, न तो वह जिसने आपको स्पॉन्सर किया है और न ही कंपनी का मैनेजमेंट आप पर कोई हुक्म नहीं चलाता। हाँ, सलाह और मदद ले सकते हैं और देते हैं। यदि आपका स्पॉन्सर आपको सलाह देता है और बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको उकसाता है, तो वह केवल अपना ही भला नहीं सोचता, उसमें भला तो आपका भी है। आप ऐसा क्यों नहीं समझते कि वह आपका बॉस है? यदि आप ऐसा समझते हैं तो गलत समझते हैं। वह आपका बिजनेस पार्टनर है। आप पर दबाव बनाने में यदि उसे फायदा मिल रहा है तो इसमें आपको भी तो फायदा मिल रहा है। मेरी आपको सलाह है कि इस सोच से उभरें। नेटवर्क मार्केटिंग में न कोई नौकर है न मालिक, सभी अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इस बिजनेस में सफलता पाने का सबसे सरल सूत्र यह है कि आप अपनी टीम के बारे में हमेशा अच्छा सोचें, उनको सही और उचित शिक्षा दें, वे अच्छे अच्छे मार्गदर्शकों से मार्गदर्शन भी कराएं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हुए चलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सही कंपनी का चुनाव कैसे करें? मल्टी लेवल मार्केटिंग में सही कंपनी के चुनाव के लिए चार मुख्य विषयों पर ध्यान देना परम आवश्यक है। सबसे पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोफाइल, तीसरा प्लान, चौथा प्रोग्राम्स। सबसे पहले प्रोडक्ट पर बात करते हैं। देखें कि कंपनी के उत्पाद क्या है तथा वे कितने अच्छे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट इतने अच्छे एवं यूनिक होने चाहिए कि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं, तथा प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि खरीदार को उसके पैसे की सही कीमत मिल सके। उसे ऐसा हरगिज नहीं लगना चाहिए कि उसे ठग लिया गया है। अब नंबर दो प्रोफाइल की बात करते हैं। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। देखें कि कंपनी के प्रमोटर कौन है और उनका विजन क्या है, उनकी फाइनेंशियल बैंक क्या है, कंपनी कितने वर्षों से चल रही है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां एक से दो वर्ष के अंदर ही बंद हो जाती हैं। अतः किसी संस्थापित कंपनी का ही चुनाव करें। प्लान, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है, नेटवर्कर को उसकी कीमत का पूरा लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कंपनी के बाद में आने वाले के लिए भी आगे बढ़ने वाले का उतना स्कोप है जितना पहले आने वालों को मिला है, क्या बाद में आने वाला भी अधिक धन कमा सकता है, क्या इसे हर व्यक्ति समान रूप से कर सकता है आदि। नंबर चार पे बात करते हैं प्रोग्राम्स के। यहाँ प्रोग्राम से तात्पर्य मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार, एजुकेशनल प्रोग्राम से है। देखिए कि कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, कंपनी अपने नेटवर्कर्स के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स आयोजित करती है या नहीं, कंपनी अपने नेटवर्कर्स के आत्मविश्वास के लिए पुस्तकें, कैसेट्स आदि उपलब्ध कराती है या नहीं, और समय समय पर अच्छे ट्रेनरों को बुलाकर अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्गदर्शन करती है या नहीं। यदि आप कंपनी के इन चार विषयों को अपने अनुकूल पाते हैं तो निस्संदेह ऐसी कंपनी का चुनाव कर आपको पछताना नहीं पड़ेगा। इस व्यवसाय में कामयाबी प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ कभी भूले से भी छल कपट ना करें या धोखेबाजी नहीं करें। आपको यही सीख अपनी टीम को भी सिखानी चाहिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सर, आज हमारे सामने नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बिजनेस करने वाली बहुत कंपनियां हैं, ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम यह कैसे जानें कि सबसे अच्छी और फेयर डील करने वाली कंपनी कौन है। हम किस कंपनी के साथ जुड़ें जिससे हम जीवन में तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें? तो आइए इसका आंसर भी जान लेते हैं। सूर्य सिन्हा जी क्या कहते हैं इस पर? यह एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है।
यह सवाल हर उस व्यक्ति के सामने आता है जो जीवन में उन्नति करने के लिए किसी नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़ने का इच्छुक होता है। कुछ लोग इसी पशुपेश में पढ़कर अपना बहुत सा कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। इस संदर्भ में मुझे ढेरों पत्र प्राप्त होते हैं जिनके जवाब मैं ईमेल आदि के माध्यम से उन्हें देता भी हूँ, फिर भी सभी पाठकों को उत्तर देना संभव नहीं हो पाता। अतः इस प्रश्न को मैंने प्रमुखता से इस पुस्तक में स्थान दिया है। दोस्तों, इस संदर्भ में आप 4P का फॉर्मूला याद रखें। 4P यानी P1 यानी प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, P2 यानी पीपल ऑफ द कंपनी, P3 यानी प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, P4 यानी प्लान ऑफ द कंपनी। P1 यानी प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, आइए इस पर बात करते हैं। प्रोफाइल ऑफ द कंपनी के में आप देखेंगे कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है, बाजार में कंपनी की साख कैसी है और वह कितने वर्षों से, इनका वार्षिक टर्नओवर क्या है, कितना है। P2 यानी पीपल ऑफ द कंपनी, पीपल ऑफ द कंपनी में यह देखेंगे कंपनी को किन लोगों ने स्थापित किया था, उनका उद्देश्य क्या था, इस विषय पर भी ध्यान देंगे। फिलहाल कंपनी का संचालन किन लोगों के हाथों में है, इस तथ्य की छानबीन अच्छी तरह करें कि वर्तमान में कंपनी के डायरेक्टर्स कौन हैं, कहीं उनके नाम के साथ किसी किस्म के घपले घोटाले या धोखाधड़ी आदि के केस तो नहीं है, अतीत में उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। इसी प्रकार मैनेजमेंट के साथ जुड़े लोगों के विषय में पूरी तहकीकात करें, कंपनी मैनेजमेंट की कार्यशैली पर भी गौर करें, कंपनी का सारा काम सिस्टमैटिक ढंग से होता है या नहीं। इसके अतिरिक्त आपको जो अपलाइन है, आपके जो अपलाइन है उसके विषय में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मसलन आप अपने जिस अपलाइन के साथ जुड़े हैं वह अपने उस व्यवसाय के प्रति कितना समर्पित है, कितना उत्साहित और कितना एक्टिव है भी या नहीं, वह शिक्षित है या अशिक्षित है, नकारात्मक सोच वाला या सकारात्मक सोच वाला, कहीं उसका भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं, समाज में उसका प्रतिष्ठा कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह मजबूरी या बला टालने के लिए आपको अपने साथ जोड़ रहा हो, आगे चलकर आपको बीच मझधार में छोड़कर कहीं गायब तो ना हो जाए। इस प्रकार यदि कंपनी की बैकग्राउंड ठीक नहीं है या कंपनी के डायरेक्टर मैनेजमेंट आपका एक्टिव अपलाइन ठीक नहीं है तो इस कंपनी से आपका जुड़ना ठीक नहीं है। P3 यानी प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, अगर P1 और P2 में सब कुछ ठीक ठाक है तो भी आप आँख मूंद कर कंपनी से जुड़ जाएँ। उपरोक्त सभी बातों के बाद आप प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी की तहकीकात करें। यदि कंपनी के प्रोडक्ट की जांच पड़ताल करें, देखें कि कंपनी के प्रोडक्ट यूनिक है या नहीं, यूनिक होने के साथ साथ ये प्रोडक्ट सबकी ज़रूरत के हैं या नहीं, यह भी देखें कि कंपनी के प्रोडक्ट बार बार रोज़ इस्तेमाल होने वाले हैं या नहीं। यदि कंपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों वाले प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, इन प्रोडक्ट्स के जरिए आप तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यह भी देखें कि कंपनी अपने प्रोडक्ट स्वयं बनाती है या कहीं से बने बनाए प्रोडक्ट लेकर उन पर अपने नाम का लेबल लगाकर ट्रेडिंग व मार्केटिंग कर रही है। यदि कंपनी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है तो यह भी देखें कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, कहीं आपके माध्यम से कंपनी घटिया माल की मार्केटिंग तो नहीं करना चाहती, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के साथ कोई समझौता तो नहीं कर रही। इस बात पर भी विशेष ध्यान दें कि कंपनी के प्रोडक्ट इतने यूनिक होने चाहिए कि आपको उनके विषय में बताते हुए गर्व महसूस हो। आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट ही आपकी कंपनी प्रोडक्ट्स जो हैं आपके व्यवसाय का आधार हैं, जिनके बलबूते पर आपकी सफलता निर्भर करती है। प्रोडक्ट ही आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं, यही आपको आगे और आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आप कंपनी के प्रोडक्ट की सही जानकारी प्राप्त होने पर ही कंपनी ज्वाइन करें। और P4 यानी प्लान ऑफ द कंपनी, उपरोक्त तीनों P की छानबीन के बाद आपके पास यदि पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो तब आप चौथे P पर ध्यान दें। चौथा P यानी प्लान ऑफ द कंपनी, इस सेक्शन में आप यह देखेंगे कि जिस प्लान पर आप काम करने जा रहे हैं वह कैसा है, क्या यह प्लान आपके सपनों को पूरा कर पाएगा। यह प्लान इतना दमदार है कि इसमें आपको और आपकी टीम को आर्थिक आज़ादी मिलने की सभी संभावनाएं हैं। यह भी देखेगी इसमें इससे जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इसका फायदा उठा पाएगा या नहीं। क्या कंपनी अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्लान के अनुसार पैसा बांट रही है? यदि डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्लान के अनुसार पैसा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है अवश्य है। इस बात पर खास तौर पर गौर करें कि यह प्लान डिस्ट्रीब्यूटर के हित में है या इस प्लान के अनुसार कंपनी सिर्फ अपना हित साध रही है। यह भी देखें कि कंपनी आपसे क्या ले रही है और बदले में आपको क्या दे रही है। कुछ कंपनियां लेती तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बांटती बहुत कम है। अतः कंपनी के प्लान को बड़ी बारीकी से बार बार पढ़ें और समझें। यदि प्लान सब ओर से आपके हित में है, आपकी आर्थिक सामाजिक व्यक्तिगत हैसियत में इजाफा करने वाली है, तो ऐसी कंपनी को आप बिना शक ज्वाइन कर सकते हैं।
यानी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने में आपको अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए। एक नेटवर्क लीडर का कहना है कि जब मैंने अपनी टीम के लोगों को इस व्यवसाय से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराई, तब तब मेरा बिजनेस पहले की तुलना में ज़्यादा बड़ा है और मैंने अपनी टीम का मेरे प्रति प्रेम व विश्वास भी ज़्यादा पाया है। इसलिए मैं अपनी टीम के सभी लीडर से यही कहूँगा कि आप भी अपनी अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरक एवं इस व्यवसाय से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराएं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का आंसर दिया सूर्य सिन्हा जी ने, और अब अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहता हूँ, शुरुआत कैसे करूँ? दोस्तों सूर्य सिन्हा जी कहते हैं, सबसे पहले तो आप किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करें जो अपना बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा करती हो। इसके लिए देखें कि उस कंपनी की आर्थिक क्षमता कितनी है, कंपनी के संचालन कौन है, कंपनी आपसे क्या ले रही है और बदले में आपको क्या दे रही है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। विचार करें कि कहीं आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर स्वयं को ठगा सा महसूस तो नहीं करेंगे। देखें कि प्रोडक्ट्स की लोगों को आवश्यकता है या नहीं। कंपनी के उत्पाद ऐसे होने चाहिए जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रवेश शुल्क के विषय पर भी ध्यान दें कि कई भी अधिक तो नहीं है, कंपनी उतने का सामान भी आपको दे रही है या नहीं, क्या उस कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है, कंपनी के सेल सेंटर को देखें कि वे आपके निवास स्थान से अधिक दूर तो नहीं है। इस बात पर भी गौर करें कि कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स उसके सेंटर पर उपलब्ध हैं या नहीं। यह भी देखें वे कंपनी इस बिजनेस के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी आयोजित करती है या नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप अपनी टूल किट यानी प्रेजेंटेशन फाइल, प्रिंटेड मटेरियल, ऑडियो कैसेट, VCD, नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित पुस्तकों का पूरा सेट तैयार कर लें। साथ ही इस बिजनेस की पूरी जानकारी भी हासिल करें ताकि दूसरों को आप भली भांति इस बिजनेस को समझा सकें। इस बिजनेस के अध्ययन के लिए पुस्तकें आपका बेहतरीन मार्गदर्शन करती हैं और ऑडियो कैसेट आपके विश्वास में ज़बरदस्त बढ़ोतरी करते हैं। आपको अपनी संस्था की सभी मीटिंग्स, फंक्शन, एजुकेशन क्लासेज नियमित रूप से लेनी चाहिए। इन सब तैयारियों के बाद इस बिजनेस को करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। दूसरों के नेटवर्क को खराब करने तोड़ने में, दूसरों की बुराई करने में अपना कीमती समय कभी बर्बाद न करें, बल्कि अपनी टीम को सफलता व्यक्तित्व विकास के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स आयोजित करना चाहिए, जिससे आपकी टीम के बीच एकता, सद्भाव व भाईचारे की भावना का विकास हो और हमारी टीम की इच्छा शक्ति तथा टीम के सदस्यों का आत्मविश्वास भी बढ़ सके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्या आप हमें गलत व फ्रॉड कंपनियों की पहचान बता सकते हैं? तो सूर्य सिन्हा जी कहते हैं, वैसे तो ऐसी कंपनियां व ऐसी कंपनियों के संचालकों को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी कंपनी के संचालन बहुत ही खूबसूरत और मासूम मुकुटे पहने होते हैं। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं ऐसी कंपनियों की कुछ खास पहचान बता रहा हूँ, जिन्हें आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे या उसको पढ़ेंगे। नंबर एक, ऐसी कंपनियों का मकसद आपको व आपकी टीम को शिक्षित करना बिल्कुल भी नहीं होता है। नंबर दो, ऐसी कंपनियों का मकसद ज़्यादातर पिछड़े इलाकों में रहने वाले गरीब, भोले भाले, अनपढ़ लोगों को ठगना होता है। नंबर तीन, ऐसी कंपनियों के ज़्यादातर प्रोडक्ट घटिया क्वालिटी के होते हैं। नंबर चार, ऐसी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना होता है। नंबर पाँच, ऐसी कंपनियों के मैनेजमेंट में ज़्यादातर उन्हीं के परिवार के सदस्य होते हैं जो सिर्फ कंपनी का फ़ायदा सोचते हैं। नंबर छः, ऐसी कंपनियां अच्छे ट्रेनरों व शिक्षकों को बुलाने से डरती है, क्योंकि डर रहता है कि कहीं उनके राज न खुल जाएं। नंबर सात, ऐसी कंपनियों से जुड़ने वाले लगभग सभी लोग परेशान रहते हैं। नंबर आठ, ऐसी कंपनियां हमेशा बड़े बड़े व झूठे वायदे करती हैं। नंबर नौ, ऐसी कंपनियां अपने लीडर्स से जुड़े हुए लोगों को ब्लैकमेल करती रहती है। नंबर दस, ऐसी कंपनियों का पे आउट सिस्टम भी ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसी कंपनियां पैसा लेना तो ठीक से जानती है पर बांटना नहीं जानती। नंबर 11, ऐसी कंपनियां अपने बड़े बड़े झूठे वादों के कारण तेजी से तरक्की तो कर लेती है पर इनके राज खुलने पर जल्दी भी बंद हो जाती है। नंबर 12, ऐसी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर ठगी करते हैं और इस खूबसूरत अच्छे बिजनेस को बदनाम करती हैं। नंबर 13, ऐसी कंपनियां हमेशा अपने लीडर्स को अच्छी व्यवसाय से संबंधित पुस्तकें पढ़ने या प्रमोट करने से मना करेंगी, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनसे जुड़े लोगों को इस व्यवसाय की असली तस्वीर न दिख जाए। नंबर 14, ऐसी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के नाम पर अपना ही लिटरेचर व पुस्तकें छापकर बेचती है और लोगों को बेवकूफ बनाती है। हो सकता है कि अगले ही क्षण आपको सफलता मिलने वाली हो, इसलिए आप अपना प्रयास जारी रखें। निराशा व हताशा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की घोर शत्रु है और आशा व विश्वास सबसे बड़े मित्र। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है आइए जानते हैं।
बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आ रही है और अपना बिजनेस को और अच्छे से आप एक्सपेंड करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसके भी उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग की चर्चा के दौरान कुछ लोग अक्सर यह कहते पाए जाते हैं कि यह सब बेकार है, चीटिंग या फ्रॉड करने का धंधा है, कुछ नहीं होता इसमें। दोस्तों सूर्य सिन्हा जी इस पर क्या कहते हैं, जब पहली बार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला तो मेरे मन में भी इस बिजनेस को लेकर कुछ गलत धारणाएं थी। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कोई स्कीम है जो लोगों को फंसा रही है। जितने भी स्पीकर आते गए मैं सभी को सुनता रहा, तभी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ पता चला। मगर मुझ पर उन लीडर्स द्वारा कही कई बातों का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि सभी लीडर्स आकर एक ही बात कहते थे कि मैंने इतना कमाया। मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि वे लोगों को क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब मुझे यह पता चला कि वे किसी नए बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे सिर में दर्द सा होने लगा, क्योंकि मेरे दिमाग में उससे पहले भी कई बिजनेस थे जिन पर मैं अध्ययन कर रहा था। फिर भी मैंने इस बिजनेस के बारे में जानने में रुचि दिखाई। अंततः मुझे पता चल ही गया कि नेटवर्क मार्केटिंग का अर्थ एक जाल की तरह हाथ से हाथ मिलाकर कार्य करना है, जिसमें एक दूसरे के प्रति प्यार और सद्भावना होती है। इस ज्ञान ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और मैंने इस बिजनेस के विषय में अधिक से अधिक जानने के लिए अधिक अध्ययन शुरू करना स्टार्ट किया। आज पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि यह दुनिया का सबसे सुगम और सबसे खूबसूरत बिजनेस है। इसमें फ्रॉड या चीटिंग जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुकुरमुतों की भांति जगह जगह आए पिरामिडों से आदमी को बचना चाहिए। दुनिया में कम से कम लागत वाला यदि कोई व्यवसाय है तो वह है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इसमें आप बहुत कम पूंजी लगाकर बड़े पूंजीपति बन सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, पिरामिड से आपका क्या तात्पर्य है? मेरा इशारा उन फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तरफ है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये वे कंपनियां हैं इन व्यवसायों को बदनाम करती। ये कंपनी गैर कानूनी पिरामिड की भांति है। इनके नाम जो होते हैं वो बड़े लुभावने होते हैं, मसलन हैप्पी लाइफ, लाइफ केयर, लाइफ इंडिया या इससे मिलते जुलते नाम। कंपनियां कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती, इनके फर्जी होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है। हाँ, केवल धन के दम पर चैन बनाई जाती है। कमीशन का इतना मोटा लालच दिया जाता है कि शिकार को दूसरे किसी विषय पर सोचने का अवसर ही नहीं देती। उसे 2 मिनट में सब जो बाग दिखाकर अमेरिका और इंग्लैंड घुमा दिया जाता है। ऐसा व्यक्ति फौरन ही कंपनी सत्यता की छानबीन किए बिना उस चैन से जुड़ जाता है। उसे फोर्स किया जाता है कि आपने नीचे वह अधिक से अधिक मेंबर बनाए ताकि जल्दी से जल्दी उसे मोटा कमीशन प्राप्त हो। धन के लालच में व्यक्ति अपने घर के सदस्यों, जानकारों, मित्रों, रिश्तेदारों आदि को वैसे ही लालच देकर फंसाता है। ऐसी कंपनियां गिफ्ट ड्राफ्ट उसे कमीशन के तौर पर भेजती हैं। इस प्रकार एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा व्यक्ति उस फर्जी चैन से जुड़ता चला जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि कंपनी सभी प्रतिक्रियाएं रुक जाती हैं। न कोई गिफ्ट, ना कोई ड्राफ्ट आता है, न ही किसी दूसरी बातों का उत्तर आता है। दरअसल एक मोटी रकम इकट्ठी करके ऐसे पिरामिडों के आयोजक एकाएक अचानक गायब हो जाते हैं और उससे जुड़े लोग हाथ मलते रह जाते हैं। ऐसे मामलों में आमतौर पर कोई किसी भी प्रकार की रिपोर्ट भी थाने में नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं भी साजिश में भागीदार होता है। फिर रकम भी इतनी अधिक नहीं होती जिसके लिए व्यक्ति को एक कानूनी कार्रवाई करे, जबकि ऐसी फर्जी कंपनियों के आयोजक एक मोटी रकम जो करोड़ों में बैठती है लेकर फरार हो जाते हैं। अतः ऐसे फर्जी पिरामिडों से आदमी को बचना चाहिए। जैसा पहले बताया जा चुका है कि कंपनी से आप जुड़े रहें, उसकी गहराई से छानबीन करें, उसके प्रोडक्ट को देखें, कार्यालयों को देखें, सेंटर्स को देखें। कंपनियां इस टाइप खेल खेलते हैं कि पहले 20 रुपये देकर मेंबर बनो, फिर अधिक से अधिक मेंबर बनाओ। हर मेंबर पर आपको 40% कमीशन मिलेगा। इतना ही नहीं, आपके नीचे के लोग जितने मेंबर बनाएंगे उनमें से भी आपको 20% मिलेगा। ऐसे में आप सोचते हैं कि जो मेंबर बनाऊंगा उसके एवज में मुझे 1000 रुपये का गिफ्ट ड्राफ्ट मिलेगा। 3 मेंबर बनते ही मेरी लगाई रकम घर वापस आएगी। फिर जिंदगी भर यह गिफ्ट ड्राफ्ट का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि मेरी टीम लगातार साथ नए नए मेंबर जोड़ती रहेगी। इसलिए इस प्रकार के फर्जीवाड़े से बचें, न खुद ऐसी संस्था से जुड़ें और न किसी को जोड़ें। अगर आप अपने इस बिजनेस में अपने जैसे छोटे या अपने आसपास काम करने वालों या जो आपका आदर करते हैं उन्हें जोड़ते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अपना बिजनेस कर बढ़ाने के लिए अपने से ऊंचे पद वालों और अपने बराबर वालों को अपने साथ जोड़ने का सदैव प्रयास करना चाहिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआती दौर की मीटिंग्स को और आमंत्रण को बेहद गोपनीय रखा जाता है, लोगों को पारदर्शी विवरण क्यों नहीं दिए जाते?
ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब आइए जानते हैं। यह सब आपके भले के लिए ही किया जाता है। इस मुद्दे को लेकर आप व्यर्थ विचलित न हो। दरअसल ऐसी गोपनीयता बरतने वाले जानते हैं कि इस बिजनेस को लेकर कई तरह की अफवाहें फैली हुई। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि बहुत से लोगों ने पिरामिड बनाकर लोगों को ठगा है और धन लेकर फरार हो चुकी है। इसलिए मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर इस बात को लेकर सतर्कता बरतते हैं। उन्हें लगता है कि यदि उन्हें बेवजह अपने नेटवर्क का अनावश्यक प्रचार किया तो कहीं आप उन्हें भी किसी वैसी फ्रॉड कंपनी समझकर उनकी बात सुनने से इनकार न कर दें। वे शांतिपूर्ण माहौल में एक ऐसा अवसर चाहते हैं जिससे वे आपके सामने स्पष्ट रूप से इस बिजनेस को रख सकें और आपको अपना प्लान समझा सके। यदि कोई व्यक्ति राह चलते हड़बड़ी में आपका अपना कोई प्लान समझाए तो क्या आप समझ पाएंगे? या जब आप स्वयं विभिन्न प्रकार के मानसिक विद्वेष से गुजर रहे हैं तो तब आपको कोई इस बात समझाई जाए तो क्या वह बात आपको समझ में आएगी? हरगिज नहीं। इसलिए कोशिश की जाती है कि आपको किसी मीटिंग या सेमिनार में बुलाकर अपनी बात समझाई जाए। डिस्ट्रीब्यूटर आपसे बातें करके जान लेते हैं कि आप महत्वाकांक्षी हैं, इसलिए उनके काम के हैं। वे बेकार के लोगों की भीड़ मीटिंग में इकट्ठा नहीं करना चाहते, इसलिए आप और आप जैसे दूसरे महत्वाकांक्षी और तरक्की पसंद लोगों को गोपनीय तरीके से अपनी मीटिंग्स में आमंत्रित करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिससे आप अपनी पहचान के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास सकारात्मक और बड़े सपने हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके उन सभी सपनों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। यही इस बिजनेस की विशेषता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ लोग हमें बताते हैं कि आप सप्ताह में 3-4 घंटे प्रतिदिन काम करके 40-50 हजार रुपए कमा सकते हैं, क्या यह सही है? दोस्तों आइए इसका जवाब देखते हैं क्या है। इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर तो महीने में लाखों भी कमा रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि उन्होंने हफ्ते में केवल 3-4 घंटे काम किया है। यदि कोई व्यक्ति आपको इतनी कम मेहनत के बदले इतनी भारी रकम मिलने की बात कहता है तो यह यकीनन आप भरोसे के काबिल नहीं है। आपको स्वयं समझना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई रियल बिजनेस नहीं है जिसमें आप बिना सीखे समझे, बिना सूझबूझ के और बिना कड़ी मेहनत और बिना इतनी मोटी रकम चुटके में कमा सके। कोई बड़ी मेहनत की है, आपको एक निश्चित समय तक सूझबूझ के साथ अपना कार्य करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप भी इतनी मोटी रकम कमा सकते हैं, लेकिन 2-4 सालों की मेहनत के बाद। शुरू में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर आज इतनी बड़ी रकम कमा रहे हैं, पहले आप उन इतिहास देखें, आप पाएंगे कि पहले उन्होंने इस बिजनेस को सीखा, उसके बाद सूझबूझ से और पूरी लगन से सीखी हुई बातों पर अमल किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सफलता मिली। यदि आप अपनी जिंदगी में और इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो अपना एक अच्छा नेटवर्क तैयार करें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में पहले आता है उसे ही ज्यादा आय होती है और बाद में ज्वाइन करने वालों को उससे कम आय होती है? इसका जवाब जानते हैं। ये आपसे किसने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले ज्वाइन करने वालों को अधिक इनकम होती है और बाद में ज्वाइन करने वालों को कम इनकम होती है? इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दीजिए। देखा गया है कि इस बिजनेस में बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस व्यवसाय को बहुत बाद में ज्वाइन किया, मगर उन्होंने अपने प्रयासों से, जी तोड़ मेहनत से, अपने अपलाइन के मदद से वे आगे निकल गए और उन्होंने उनसे ज़्यादा पैसा कमाकर यह सिद्ध कर दिया कि आप अपने सतत प्रयास और परिश्रम से अपने अपलाइन से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कोई चैन सिस्टम या पिरामिड स्कीम नहीं है, इसलिए आप यह बात तो बिल्कुल भी ना सोचें कि पहले आने वाला ही ज़्यादा पैसा कमाएगा और बाद में आने वाला कम। आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने स्पॉन्सर और अपलाइन से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यह जानने के लिए आपको कंपनी द्वारा बनाए गए परफॉर्मेंस बोनस चार्ट का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद आपको स्वयं पता चल जाएगा कि यदि आप भी निरंतर प्रयास, कठिन परिश्रम और लगन से सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप अपने अपलाइन से कहीं अधिक पैसा कमा सकते हैं। इसलिए याद रखें कि जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस की जानकारी दे रहा है उससे यह न पूछे कि उसे कितने का चेक आ रहा है। आप यह निर्धारित करें कि आपको कितने का चेक चाहिए और उसी हिसाब से परिश्रम करें। किसी से भी यह भी न पूछें कि उसका लेवल क्या है,
बल्कि यह सोचिए कि इस बिजनेस में आपका लेवल क्या हो सकता है। यदि आप गुजारे लायक धन दौलत जमीन जायदाद बैंक बैलेंस कार बंगला आदि से भी अधिक समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस चुनना चाहिए और वह है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत किस बिंदु से करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसका जवाब जानते हैं। सर्वप्रथम आप अपने परिचितों की एक लिस्ट बनाएं, किसी से मामूली दुआ सलाम भी है तो उसे भी अपनी लिस्ट में शामिल करें। अब आप उन लोगों से मिलें और उनको समझाने के लिए राजी करें और आप अपनी अपलायंस से उन लोगों की मीटिंग कराएं, मगर आप स्वयं उन्हें कुछ न बताएं क्योंकि अभी तो स्वयं आपको ही इस बिजनेस का ठीक से ज्ञान नहीं है। इसलिए आप दक्षतापूर्वक न तो उनके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे और न ही उनकी शंकाओं अथवा उत्सुकताओं का ठीक से समाधान कर पाएंगे। यही काम आपका अपलायन दक्षतापूर्वक करेगा। आप अपने अपलायन को ध्यानपूर्वक सुने, बारीकी और सतर्कतापूर्वक इस बात को देखें कि आपका अपलायन बिजनेस प्लान को किस प्रकार उन लोगों के समक्ष रख रहा है। उनकी सूझबूझ और उन अनुभव के चलते कुछ लोग अवश्य ही आपके प्लान के प्रति दिलचस्पी दिखाएंगे, आपके नेटवर्क में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करेंगे। इसके बाद आप स्वयं को आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपने अपलायन को इस बिजनेस से संबंधित पुस्तकें पढ़ने कैसेट सुनने के लिए भी लगातार प्रेरित अवश्य करते रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध नेटवर्क प्रेरक एजेंसी रोज के अनुसार जैसे कुछ नाम पेपर पर लिख लिए जाते हैं वैसे ही मन में यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि उसे कैसे उनको नेटवर्क में शामिल किया जाए। आप अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहें, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलेगी। लिस्ट के उपरांत यह आवश्यकता है कि जिन लोगों से भी आप मिलें उन्हें कंपनी के उत्पाद अवश्य ही प्रयोग करवाएं और स्वयं भी प्रयोग करें। सुप्रसिद्ध प्रेरक लेखक एवं नेटवर्क मार्केटिंग के सफलतम प्रशिक्षक मिस्टर डगलस वीट के अनुसार आपकी लिस्ट आपके लिए सबसे बड़ा औजार है। यह लोगों से संपर्क करने का रेडीमेड स्रोत है जिसे आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं। और यदि इस काम में आप अपने अपलायन की मदद चाहते हैं तो उसके साथ बैठकर अपनी लिस्ट को दुरुस्त कर सकते हैं। आपकी लिस्ट आपकी सहायता करती है तथा आपके अपलायन के लोगों को आपकी क्षमता एवं प्रभाव से भी अवगत कराती है। अच्छी लिस्ट देखकर आपके अपलायन के लोग आपके साथ काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं। अपने समय का ठीक से प्रयोग करें और रोजाना प्लानिंग करें कि आगे आपको क्या और कैसे करना है। तत्पश्चात जो भी आपके नेटवर्क में शामिल होता है यानी आपका डाउनलाइन, उसे भी ये सारी बातें अवश्य सिखाएं। याद रखें शुरू में अपने अपलायन की सहायता से ही आगे बढ़ें, समय का सदुपयोग करें, अधिक से अधिक लोगों से मिलकर अपनी लिस्ट की लेंथ बढ़ाते रहें। नौकर नहीं मालिक बनना है, आपके इस सपने को पूरा करता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम। इसे सूझबूझ लगन और धैर्य से अपनाने वाले लोग आज हर ओर से सुखी और संपन्न और खुशहाल हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है आइए समझते हैं, गौर से सुनिएगा। मुझे ठीक तरीके से बोलना नहीं आता और मेरा अंग्रेजी भाषा का उच्चारण भी सही नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आइए इसका जवाब जानते हैं। सूर्य सिन्हा जी क्या कहते हैं, ठीक तरह से बोलना नहीं आता यह कोई गंभीर समस्या नहीं है। दरअसल प्रत्येक व्यक्ति में झिझक होती है। जिसने कभी धारा प्रवाह रूप से कभी नहीं बोला यदि उसे चार लोगों के बीच बोलने को कहा जाए तो वह साहस नहीं कर पाएगा, झिझकेगा ही। ऐसा सभी के साथ होता है। अपनी इस कमी को दूर करने के लिए आप प्रैक्टिस करें। मेरी राय है कि आप घर में आईने के सामने खड़े होकर अकेले में अपने आप से बातें करें। समझे कि आईने में आपका जो अक्स आपको दिखाई दे रहा है वह आपका क्लाइंट है और उसे आपको अपना प्लान समझाना है। बस बिना किसी झिझक के आप अपना प्लान उसे समझाएं। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करने से आप देखेंगे कि आपकी यह कमी दूर हो रही है और आप अपने स्किल में एक अच्छे वक्ता के रूप में उभर रहे हैं। जहाँ तक अंग्रेजी भाषा के उच्चारण की बात है तो इस कमी को भी प्रैक्टिस द्वारा दूर किया जा सकता है। आप ऐसे लोगों की सोसाइटी में जाएं जो अधिकांशतः इंग्लिश भाषा के शब्दों का आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। ग्रामर की एक आध अच्छी पुस्तक खरीदें और उसका अध्ययन करें। अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाने में इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी भी आप सहायता उसकी ले सकते हैं। इस प्रकार के प्रयासों से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में न केवल आपके अंग्रेजी उच्चारण में सुधार आएगा बल्कि आपका अंग्रेजी ज्ञान भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हाँ, यदि आपको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती तो आजकल यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। मात्र छः महीने का किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स करके थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं।
अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय के सदुपयोग के साथ साथ अपने कर्तव्यों को निभाना भी जरूरी है। जो समय का दुरुपयोग करते हैं, अवसरों का लाभ नहीं उठाते, वे अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाते। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूँ? तो आइए इसका जवाब जानते हैं। आप इस बात का अफसोस न करें कि आप कम पढ़े लिखे हैं। अब आपको यह अवसर मिल रहा है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़कर आप भी शिक्षित हो सकते हैं तथा अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। इस बिजनेस को सीखते हुए अगर आप इसे पूरी लगन से करते रहे तो आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। इस बिजनेस में रहकर आप वे सब गुण सीखेंगे जो एक शिक्षित एवं सभ्य व्यक्ति में होने चाहिए। इस बिजनेस का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा होता है कि अनपढ़ से अनपढ़ अर्थात अल्प शिक्षित व्यक्ति भी इस सिस्टम को फॉलो करने लगे तो वह भी शिक्षित होकर बहुत ही बेहतरीन ढंग से यह बिजनेस करने लगता है। धन का आगमन सभी को अच्छा लगता है, आई हुई दौलत भला किसको बुरी लगती है, लेकिन रुक रुक कर आना अच्छा नहीं लगता। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि एक ऐसे नेटवर्क का निर्माण करें जिससे धन का आगमन निरंतर होता रहे और जीवन में सदा खुशहाली बनी रहे। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं यह बिजनेस करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय का बड़ा अभाव है। सुबह घर से निकलता हूं और देर रात को घर लौटता हूं, इसमें मेरे लिए क्या है, मैं कैसे कर सकता हूं? दोस्तों इस सवाल का जवाब के लिए आइए सूर्य सिन्हा से पूछते हैं कि इसका आंसर क्या है। काम न करने या किसी काम को टालने की यह सबसे सरल और खूबसूरत बहाना है। मैं ये मान लेता हूँ कि आप 16 घंटे घर से बाहर रहते हैं, तो क्या आप 16 घंटे निरंतर काम करते हैं? नहीं, यह संभव ही नहीं है। आप केवल 8 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे मैं मानता हूँ कि आपके सफर ऑफिस जाने आने में गुजर जाते हैं। अब मेरा दावा है कि 4 घंटे आप व्यर्थ करते हैं। समय न होने के बाद वही लोग कहते हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होता। बड़े बड़े लोग जिन्होंने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके पास भी आप देखेंगे कि दिन रात मिलाकर 24 घंटे ही थे। प्रकृति की तरफ से सभी को बराबर का समय दिया गया है। समय सबके लिए एक समान है, इसमें युगों युगों से भेदभाव नहीं देखा गया। जो लोग कामयाब हुए हैं आपकी तरह ही, वे भी सामाजिक और घर परिवार वाले लोग ही थे और सारी औपचारिकताएं निभाते उन्होंने अपनी सफलताएं हासिल की। फिर आप समय का रोना क्यों रोते हैं? 4 घंटे आप कहाँ बर्बाद करते हैं? जाहिर है, या तो यार दोस्तों के साथ लिफाफेबाजी करते या कोई ऐप शो करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अश्लील SMS भेजते हैं, TV देखते रहते हैं, ताश खेलते हैं, फिल्में देखते हैं, नॉनवेज चुटकुले सुनते हैं सुनाते हैं। मेरे दोस्त, जब अकस्मात आपके घर पर रिश्तेदारी आदि में आपकी आवश्यकता पड़ती है तो आप समय निकालते हैं या नहीं? अपने बेटे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, किसी खास संबंधी के आगमन पर आप अपने उसी समय से समय निकालते हैं। नौकरी करते हैं और सफर भी करते हैं। जब आप किसी उत्सव अथवा इमरजेंसी के लिए समय का तालमेल बिठाकर समय निकाल सकते हैं तो इस काम के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? दूसरे इस काम में अपना कितना समय दे और इसमें कितना समय देना है? यदि ईमानदारी से 2 घंटे भी आप इस काम को देते हैं तो आप बिना किसी बाधा के, बिना किसी तनाव के इस कार्य को कर सकते हैं। आप अपने काम करने के ढंग में थोड़ा बदलाव लाएं। जिन कामों में समय अधिक बर्बाद होता है उस और प्राप्ति भी कुछ नहीं होती तो वह बहुत कम करें। उस काम को नमस्ते कहकर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ें और मेहनत तथा प्रयास से उस मुकाम को हासिल करें जिसे लाखों लोग हासिल करके आज सम्पन्नता भरा जीवन जी रहे हैं। लोगों का अधिकांश समय ऐबदारी में, निंदा करने में, हवाई किले बनाने में अथवा बेसिर पैर की योजनाएं बनाने में बर्बाद होता है। देखा गया है कि लोग कुछ सार्थक करने की बजाय निरार्थक कर कार्य करने में लगे रहते हैं। यदि ऐसा मान लिया जाए कि आप कोई ऐब नहीं करते, दोस्तों के साथ लिफाफेबाजी में समय बर्बाद करते हैं, तब भी यदि आपके पास समय नहीं है तो यह एक चिंता का विषय है। ऐसा लगता है कि आप 10 मिनट का काम 1 घंटे में करने वाले तरीके पर कार्य कर रहे हैं, जबकि आज वही लोग कामयाब हैं जो 1 घंटे का काम 10 मिनट में करने वाली नीति अपनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति नया नया दिल्ली में आया, उसे चांदनी चौक से दरियागंज जाना था। यह केवल 10 मिनट का पैदल का रास्ता है, लेकिन सबसे पहले वह जिस शख्स के साथ पहली बार दरियागंज गया वह उसे लेकर पहले बस अड्डे गया। वहाँ से रिंग रोड होते हुए गांधी समाधि और अम्बेडकर स्टेडियम के रास्ते से होकर दरियागंज पहुँचा। वह व्यक्ति जिसने पहली बार दरियागंज देखा था, कई महीने तक चांदनी चौक से दरियागंज जाने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल करता रहा और इस सफर को तय करने में उसे 1 घंटा लगता था। अब आप स्वयं सोचिए कि वह समय बर्बाद नहीं कर रहा, वह कोई गलत काम भी नहीं कर रहा। चांदनी चौक से दरियागंज आ जा रहा है, लेकिन लंबे रूट से।
उसके आने जाने में 100 मिनट रोज बर्बाद हो रहे हैं, 50 मिनट आने में, 50 मिनट जाने में, क्योंकि उसने सही रास्ता जानने की चेष्टा ही नहीं की। इसलिए लकीर के फकीर की तरह उसी रूट पर चल रहा है जिसे एक बार किसी बेवकूफ ने उसे दिखा दिया था। आकलन करेगी कई आप भी तो किसी ऐसे रूट पर नहीं चल रहे, अवश्य ही आप किसी ऐसे रूट पर चल रहे हैं, तभी आपके पास समय नहीं है। बंधु, अपने समय का सदुपयोग कीजिए या देखने का प्रयास कीजिए कि आपका कीमती वक्त कहाँ बर्बाद हो रहा है। जिस काम में उपलब्धि भी कुछ नहीं और समय भी बर्बाद हो रहा है, उस काम को छोड़िए और इस बिजनेस को गंभीरतापूर्वक अपनाइए। यदि आपने 2 साल किसी ऐसे पार्ट टाइम जॉब को दिए हैं जिससे आपको अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो उसे छोड़कर सिर्फ 2 वर्ष इस नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करके देखिए। मेरा दावा है कि 2 वर्षों के बाद आपका कायाकल्प हुआ दिखाई देगा। यदि आप खुद का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि आप वही व्यक्ति हैं जो हमेशा समस्याओं से दूर भागते हैं। यदि समस्याओं से दूर नहीं भागे होते, डटकर उसका मुकाबला किया होता, तो आज आप बेहद सफल व्यक्ति होते। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? सोसाइटी में हमारी बहुत इज्जत है। यदि हम इस काम को करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कहीं समाज में हम उपहास के पात्र तो नहीं बन जाएंगे? हमारा समाज मजाक तो नहीं बनाएगा? आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, सूर्य सिन्हा जी कैसे देते हैं। आपकी यह सोच बहुत ही बचकाना है। क्या आप कोई असामाजिक कार्य करने जा रहे हैं, धोखेबाजी करने जा रहे हैं, या जुआ खेलने के लिए किसी फेड पर बैठ गए हैं जिससे आपकी इज्जत को बट्टा लगेगा? इसे आप छोटा काम समझ रहे हैं जनाब? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के भूतपूर्व विशेष सहायक डगलस वीड इस व्यवसाय से जुड़े हैं। वे न केवल एक सफल लेखक और वक्ता हैं बल्कि एक कुशल नेटवर्क निर्माता भी हैं। जरा सोचिए कि उन प्रबुद्ध व्यक्ति की सामाजिक हैसियत क्या और कुछ कम थी? नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया जिसे नेटवर्क 21 के नाम से जाना जाता है। याद रखें कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, न ही कोई काम बुरा है। शर्त यही है कि वह गैर कानूनी, अनैतिक, समाज विरोधी न हो। यहाँ एक अन्य बात जो आप कह नहीं पाए उसे मैं स्पष्ट कर दूं। आपके मस्तिष्क में सवाल यह है कि लोग क्या कहेंगे। आपको पैसे का भूखा या लालची समझेंगे और कहेंगे आपके पास क्या कमी थी जो आपने इस धंधे को अपनाया। आपको यह सवाल परेशान कर रहा है। मुझे बताएं कि आपके समक्ष दूसरे लोग कमी न होते भी क्या नई नई तकनीकों से पैसा कमाने का जुगाड़ सेट नहीं करते रहते? बहुत सारा पैसा हो जाने के बाद क्या उन्होंने अपना धंधा बंद कर दिया है? यह सोच कर कि हमने बहुत कमा लिया और अब हमें धन नहीं चाहिए, आप कहेंगे कि ऐसा भी कहीं होता है, आती हुई दौलत किसे बुरी लगती है? ठीक यही बात है। धन और शक्ति, इनकी कोई सीमा नहीं होती। धंधा कोई भी क्यों न हो, यदि सही तरीके से अपनी मेहनत और लगन से आप धन अर्जन कर रहे हैं तो इसमें कोई असामाजिकता नहीं है। इसलिए ऐसी व्यर्थ की शंकाएं मस्तिष्क में न पालिए। जैसे हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक या वकील नहीं बन सकता, वैसे ही हर व्यक्ति नेटवर्कर भी नहीं बन सकता। यह बिजनेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सोच बड़ी है, जो धैर्यवान है, जिनके सपने बड़े हैं और दूरदृष्टि रखते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए सुनते हैं। सर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करना चाहता हूँ पर रिटेलिंग करना मुझे पसंद नहीं है और न ही मैं लोगों के घर घर जाकर सामान बेच सकता हूँ, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? सूर्य सिन्हा जी कहते हैं, पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने केवल नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस का नाम ही सुना है, वास्तव में आप उसका क्या कह गए भी नहीं जानते। आपसे यह किसने कह दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको घर घर जाकर सामान बेचना पड़ेगा? आपने कुछ युवक युवतियों को घर घर जाकर सामान बेचते देखा होगा, शायद इसी से आपने अंदाजा लगा लिया कि यही नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस है। जरा समझने की कोशिश कीजिए, कुछ कंपनियां जिनके प्रोडक्ट मार्केटिंग में अधिक प्रचलित नहीं है, वे कुछ बेरोजगार युवक युवतियों को कमीशन या डेली वेजेस पर रखकर अपने सामान को डोर टू डोर सेल कराती हैं। यह तरीका नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस का नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऊंचे दर्जे का और नए जमाने का बिजनेस है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता और न ही आपको घर घर जाकर सामान बेचना है। इस विषय को ठीक से समझने के लिए आप डायमंड पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित मेरी पुस्तकें क्या है यह नेटवर्क मार्केटिंग जानिए और नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के अचूक मंत्र अवश्य पढ़िए।
इन पुस्तकों में इस बिजनेस के विषय में विस्तार से समझाया गया है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए यहाँ संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि एक नेट यानी जाल रूपी एक मजबूत टीम बनाकर, एक ग्रुप बनाकर, यानी कि एक दूसरे से जुड़कर काम करने के तरीके को नेटवर्किंग कहते हैं। इसे आप दीप से दीप जलाने वाला काम समझ सकते हैं। प्रत्येक प्रज्वलित दीप जो समाज में रोशनी बिखेर रहा है, किसी बुझे हुए दीपक को जलाकर उसे भी अपने जैसा यानी रोशनी देने वाला, समर्थ रखने वाला बना देता है। यह है इस बिजनेस की पावर। दीप से दीप जलाते चलो, सबको खुशहाल बनाते चलो। मेरे दोस्त, इसमें आपको किसी सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ना होता है, कंपनी से जुड़ी किसी टीम का हिस्सा बनना होता है, फिर अपनी स्वयं की एक टीम बनानी होती है। इस प्रकार यह बिजनेस एक टीम वर्क कहलाता है। जितनी बड़ी व टैलेंटेड आपकी टीम होगी, उतना ही ज़्यादा लाभ आपको और आपकी टीम को मिलेगा। यह मिल बांट कर खाने कमाने वाला बिजनेस है। किसी लाला की दुकान नहीं है कि जो कुछ भी कमाया एक आदमी ने अपनी तिजोरी में भर लिया और अपने से जुड़े असली मेहनत करने वाले लोगों को महीने में चंद रुपए देकर रुखसत कर दिया। यह बिजनेस पढ़े लिखे लोग और कम पढ़े लिखे लोग सभी कर सकते हैं। इसमें दूसरे व्यवसायों की तरह पहले लगाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं पड़ती। चंद हजार रुपए से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा और अपनी सूझबूझ से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसमें कमाई गई कोई इसकी कमाई की कोई सीमा नहीं है। जितनी सूझबूझ के साथ आप मेहनत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप कमाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वह व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता जो सिर्फ स्वयं के लिए जीता हो। अगर आपको इसमें कामयाब होना है तो दूसरों के लिए जीना सीखें। यही है इस व्यवसाय की शक्ति और सफलता का राज। चलो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए स्टडी करते हैं। मेरा एक दोस्त मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए बार बार प्रेरित कर रहा है, जबकि मेरे पास एक अच्छी खासी नौकरी है और मेरा जीवन ठीक ठाक बीत रहा है। ऐसे में क्या मुझे इस बिजनेस को अपनाना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। जी सर, सूर्य सिन्हा जी, क्या कहना है आपका? आप भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा दोस्त मिला है जो आपके भविष्य को लेकर चिंतित है और चाहता है कि आपका आने वाला कल सुनहरा हो। मेरे दोस्त, जमाना बदल चुका है, जमाने के साथ साथ आपको भी बदल जाना चाहिए। पुरानी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत और अब बेमानी हो चुके हैं। नौकरियों में सुरक्षा अब खत्म हो चुकी है। लोग पहले की तुलना में आज ज़्यादा और कठिन परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जबकि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना मुश्किल हो गया है। वैसे मैं आपकी नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा और मुझे विश्वास है कि आपके दोस्त ने भी आपको नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं दी होगी। नौकरी छोड़कर इस बिजनेस में न आए, बल्कि इसे पार्ट टाइम जॉब के रूप में अपनाएं। इसके लिए आप अपने सोचने के ढंग को थोड़ा सा बदलें। आपके सोचने का ढंग बदलेगा तभी आपका जीवन स्तर भी बदलेगा और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके सोचने के ढंग को भी सुधारता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपको जीवन में सफलता की राह पर चलना सिखाता है। सपने अवश्य पूरे होते हैं यदि आपके पास सही रास्ता और सही सोच हो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपनाकर लोगों ने अपने हर सपने को पूरा किया है। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, आइए सूर्य सिन्हा से जानते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि सोच को बदलना होगा, क्या यह संभव है? बचपन से हम जिस सोच के साथ जी रहे हैं, जिसका असर हमारे जीवन और वातावरण पर गहरे पड़ चुके हैं, उसे आसानी से बदला जा सकता है? तो दोस्तों सूर्य सिन्हा जी क्या कहते हैं? जी सर बताइए, आप ठीक कहते हैं। यह इतना आसान नहीं है कि आप पलक झपकते ही अपनी सोच को बदल दें। यह सचमुच एक कठिन काम है। इसके लिए आपको आवश्यकता है एक सच्चे मार्गदर्शन की, जो आपको सफल जीवन जीने के तरीके बताएं, जो आपके अंदर छिपे आपके गुणों को बाहर ले जा सके, आपको आपके भीतर के आत्मविश्वास को जगा सके और आपको सफल बनाए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यह काम मुश्किल नहीं है। बहुत से ऐसे लीडर्स और ट्रेनर आपको मिल जाएंगे जो आपकी सोच को बदलकर आपके व्यक्तित्व का विकास करने में आपकी मदद करेंगे। आप अमीर तब तक नहीं बनते जब तक आप अपने लिए या किसी और के लिए काम करते हैं। अमीर तो आप तब बनते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके लिए काम करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही गई है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सर, मैं भी ऐसे बहुत से नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों से मिल चुका हूँ जो दूसरों को मीटिंग, सेमिनार्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स में टिकट खरीद कर आने को कहते हैं, साथ ही ऑडियो कैसेट सुनने और किताबें पढ़ने पर जोर देते हैं, जबकि उससे तो उनका पैसा और समय दोनों ही खराब होते हैं।
सर इस क्वेश्चन पर आपका क्या कहना है? जी सुरेश सिन्हा सर बताइए। इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ है वह अवश्य ही किसी न किसी ऑडियो कैसेट को सुनने या किसी न किसी मीटिंग सेमिनार फंक्शन और एजुकेशन प्रोग्राम्स को अटेंड करने के बाद ही हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार जब कोई व्यक्ति बहुत से प्रयत्नों के बाद भी सफल नहीं होता तो उस वक्त वह निराश हो जाता है, तब यही ऑडियो कैसेट किताबें और एजुकेशनल प्रोग्राम्स उसे पुनः प्रेरित करते हैं और उसे आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। इसमें उसे पुनः उत्साह आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, वह पुनः प्रयास करता है और हम देखते हैं कि उसे सफलता प्राप्त होती है। इसलिए कैसेट खरीद कर सुनने और फंक्शन आदि अटेंड करने में आपका समय और पैसा बर्बाद हो रहा है, ऐसा आप कभी भी न सोचें, बल्कि यह सोचें कि इससे आपको जो कुछ भी मिलता है उसकी कीमत उससे कई गुना ज्यादा है। पहली बात तो यह है कि आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है, इससे आपकी सफलता की उम्मीदें कई गुना बढ़ जाती हैं। समय को कभी व्यर्थ न जाने दें, खाली समय में अपने व्यवसाय से संबंधित पुस्तकें पढ़ें, ऑडियो कैसेट सुनें, वीडियो सीडी देखें, अपने आप को कभी भी खाली न बैठने दें, यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग्स और फंक्शंस में अक्सर लोगों को जाँचते हुए खुशी में तालियां बजाते देखा है, वे लोग ऐसा प्रदर्शन क्यों करते हैं जबकि देखने वाले उन्हें पागल समझते हैं? देखिए ऐसी गतिविधियां एकदम स्वाभाविक हैं। सूर्य सिन्हा सर क्या कहते हैं? देखिए ऐसी गतिविधियां एकदम स्वाभाविक और इनका संबंध मन की प्रसन्नता से है। जब व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है, चिंताओं से मुक्त होता है, तब वह अपनी अंदरूनी प्रसन्नता का इजहार ऐसे प्रदर्शन करके ही कर सकता है। ऐसा करने वालों ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपनाकर अपनी चिंताओं से मुक्ति पा ली है, वे आर्थिक रूप से सबल होने जा रहे हैं, उज्ज्वल भविष्य उन्हें अपने सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे में खुशियां नहीं मनाएंगे तो दूसरा कौन मनाएगा? उन लोगों का ऐसा प्रदर्शन करना कोई दिखावा नहीं होता, वह वास्तविकता होती है, उनकी मुस्कान नेचुरल है। जबरन आप किसी को नचा नहीं सकते, मन में परेशानियां पाले हुए कोई व्यक्ति नाचता गाना तो दूर, वह स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा भी नहीं सकता। अब जहां तक दूसरे लोगों को द्वारा उन्हें पागल समझने की बात, तो कोई कुछ भी समझे, इससे उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? खुशी छिपाए नहीं छिपती, आपने स्वयं अपने जीवन में यह बात महसूस की होगी, उस खुशी को जाहिर करने का सबका एक अलग ढंग है। चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोग आर्थिक आज़ादी का प्राप्त कर एक ऐसा आनंद पाते हैं, इसलिए उनकी खुशी का जाहिर करने का तरीका भी सामूहिक होता है। अब आप जब इस लाइन में आगे बढ़ेंगे तो एक दिन आप भी अपने ग्रुप के साथ ऐसे ही नाचते गाते दिखाई देंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर इस नेटवर्क मार्केटिंग में ही क्यों इतना ज़्यादा और जोर मीटिंग सेमिनार फंक्शंस एजुकेशनल प्रोग्राम अटेंड करने और कैसेट सुनने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? जी सर बताइए आपका क्या कहना है? ट्रेनिंग प्रोग्राम मीटिंग सेमिनार फंक्शंस एजुकेशनल प्रोग्राम्स और ऑडियो कैसेट सुनने पर जोर दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि इस व्यवसाय में आपके साथ अलग अलग विचारों और आदतों वाले लोग जुड़ते हैं, सबको एक साथ मिलकर एक ही तरीके से एक ही दिशा में और एक ही काम करना होता है, जो कि आसान नहीं है। ऐसे में मीटिंग सेमिनार फंक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑडियो कैसेट और प्रेरक पुस्तकें सबको एक साथ मिलकर कार्य करना सिखाती हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता अलग है, लेकिन फिर भी लोग एक साथ कार्य करते हैं। यदि आप अपने आप को इस सिस्टम में ले आए तो अब आप दूसरों को भी इस सिस्टम में ला पाए। इसलिए इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑडियो बुक्स या ऑडियो कैसेट या सिस्टम और एक्टिव लाइन ऑफ स्पॉन्सर फॉलो करना सिखाया जाता है, जिससे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हों। यदि यही कारण है कि इस बिजनेस को लीडरशिप डेवलपमेंट बिजनेस भी कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की राह एक ऐसी राह है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुधार कर आर्थिक आज़ादी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आइए पढ़ते हैं। सर मगर लीडरशिप के गुण तो प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होते, और सर अब आपका इस क्वेश्चन पर क्या कहना है? मैं इसे सच नहीं मानता, मेरे हिसाब से लीडरशिप क्वालिटी प्रत्येक व्यक्ति में होती है, जो उसके अंदर छिपी होती है, दिखाई नहीं देती। जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, ऑडियो कैसेट सुनते हैं, तब खुद ब खुद यह गुण उभर कर सामने आने लगता है। इसमें कम से कम 2 से 4 साल तक का समय लगता है, इसलिए जो भी व्यक्ति इस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करता हुआ मीटिंग फंक्शंस और सेमिनार अटेंड करेगा, ऑडियो कैसेट सुनेगा, तो इससे संबंधित पुस्तकें पढ़ेगा, उसे इस बिजनेस में कामयाबी भी अवश्य मिलेगी।
जिस तरह बीज को जमीन बोए बिना हमें फल प्राप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार बिना परिश्रम की हम सफलता को भी प्राप्त नहीं कर सकते। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? सर, आपने अभी अभी कहा है कि यह एक लीडरशिप डेवलपमेंट का बिजनेस है, मगर मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार हैं। उनमें से कुछ तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और बिजनेसमैन भी हैं, मगर इस बिजनेस में भी वे पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। इसका क्या कारण है? जी सर, इसका कारण यहाँ तक मैं समझता हूँ यही रहा होगा कि वे लोग इस विषय में एक्सपर्ट नहीं हैं। वे होंगे अपने विषय के एक्सपर्ट, वे होंगे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर या बिजनेसमैन, मगर यह बिजनेस उनके बिजनेस से सर्वथा भिन्न है, अलग है। यदि मैं किसी सर्जन से कहूं कि जूता सिल दो, तो क्या वह जूता सिल पाएगा? नहीं ना। इसी प्रकार यदि मैं किसी मोची से कहूं कि वह किसी के फटे सिर पर टाँके लगा दे, तो वह टाँके नहीं लगा पाएगा। ऐसा इसलिए कि मोची जूते सिलने में एक्सपर्ट है, तो सर्जन टाँके लगाने में। ठीक इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपर्ट होने के लिए इसके सिस्टम को समझना होगा, वरना इसमें सफलता मिलनी मुश्किल है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अगर मेरे पाँव की हड्डी टूट जाए और मैं इसे जुड़वाने के लिए किसी टीवी मैकेनिक के पास पहुँच जाऊँ, तो आप मुझे क्या कहेंगे? जी हाँ, आप मुझे पागल ही कहेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर आपको इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी या सलाह लेनी है, तो इस बिजनेस में सफल हुए लोगों से ही लें। आपको ऐसे विद्वानों से सर्वथा दूर रहना चाहिए जिन्होंने कभी इस बिजनेस को ज्वाइन तो किया था, मगर समझा कभी नहीं था, न कभी इस सिस्टम को फॉलो करते हुए समझने की कोशिश ही की थी, जिसकी वजह से वे इस बिजनेस में सफल नहीं हुए। यह भी हो सकता है कि वे किसी गलत स्कीम में फंस गए हों, जिस कारण उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा और हमेशा हमेशा के लिए उनकी यह धारणा बन गई कि यह बिजनेस ठीक नहीं है। यदि आपकी टीम वांछित प्रगति नहीं कर पा रही है, तो आपका व्यवसाय आगे नहीं बढ़ रहा, तो आप हताश न होकर उसके मुख्य कारण को तलाशिए, उसका समाधान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। विश्वास रखिए, एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? और मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने सुना है कि एक साल बाद बहुत से लोग यह बिजनेस छोड़ देते हैं, क्या यह सच है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? जी सूर्य सिन्हा सर, बताइए आपका क्या कहना है इस क्वेश्चन पर। हाँ, इसमें कुछ सच्चाई अवश्य है। शुरुआती वर्षों में लगभग 50% लोग इसे छोड़ देते हैं। इसका एक कारण यह है कि उनमें वैसा उत्साह और रोमांच नहीं रह जाता जैसा शुरुआती दिनों में दिखाई देता है। इस उत्साह और रोमांच के समाप्त होने पर भी एक होने का भी एक कारण है कि कम शब्द में कहूँ तो वह कारण है भरोसे की कमी। आइए अब इसके कारण को जानें। इस समझ की कमी कि यह एक बिजनेस है लोगों की दिमागी प्रोग्राम को अक्सर बिगाड़ देती है। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग तरह का बिजनेस है जिसका दायरा विस्तृत है, बड़ा है और यह तेजी से गति लेता है। फ्रेंचाइजिंग काफी समय से चल रहा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था कि फ्रेंचाइजिंग क्या है। अब जब हमने अपने आसपास मैकडोनाल्ड, पिज्जा हट, कटुकी फ्राइड चिकन जैसे संस्थान देखे, तो ही इस फ्रेंचाइजिंग की शक्ति को जान पाए। इससे पहले तो यह झमेला सा दिखता था। इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग है, लोग शुरू शुरू में इसे बहुत हल्के तौर पर लेते हैं, पर प्रयोग सा करते हैं। वे सोचते कि इसमें किसी किस्म के भारी नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है, इसलिए आजमाने में क्या हर्ज है। आमदनी शुरू शुरू में इस बिजनेस को कुछ इस ढंग से स्वीकार करता है, मानो किसी अनजान फल को थोड़ा सा चक्कर देख रहा हो। वह छोटा सा टुकड़ा डरते डरते अपनी जीभ पर रखता है कि कहीं जहरीला न हो, उसे उंगल कर थूकने के लिए वह हर पल तैयार भी रहता है। इस काम को करने से पहले आदमी उसे छोड़ देने का विचार रखता हो, तो जाहिर है कि आज नहीं तो कल वह उसे छोड़ ही देगा। इस बिजनेस को इस तरह बेदर्दी से छोड़ देने का एक कारण यह भी है कि इसमें लागत लगभग नए के बराबर लगती है। इसलिए इसके अतिरिक्त जो कारण समझ में आते हैं वे इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं क्या कारण है जो लोग इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। सबसे पहला कारण, बिजनेस में विश्वास का अभाव, आत्मविश्वास की कमी। नंबर दो, अपनी काबिलियता पर संदेह, इस बिजनेस को पूरी तरह न सीख कर अपने हिसाब से काम करना। नंबर तीन, इस बिजनेस से संबंधित मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार, एजुकेशनल प्रोग्राम्स अटेंड ना करना। नंबर चार, अपने आत्मविकास के लिए प्रेरक पुस्तकों को न पढ़ना, नई प्रेरणा देने वाली ऑडियो कैसेट को सुनना। तो दोस्तों ये कारण हैं जिससे कि लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं।
आपकी टीम या आपके बिजनेस के बारे में नकारात्मक प्रचार करने वालों की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको सिर्फ उन लोगों को साथ करना चाहिए जो आपके और आपके व्यवसाय के पक्ष में सकारात्मक सोचते हों। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए गौर से सुनिएगा। सर आप प्रेरक पुस्तकें पढ़ने और ऑडियो कैसेट सुनने पर ज्यादा जोर क्यों देते हैं? जी सर बताइए इस पर आपका क्या कहना है। किसी भी कार्य को हम सफलतापूर्वक तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे आसपास उसे करने के लिए माकूल औजार न हो। हर काम को करने के लिए कुछ औजार होते हैं। इन प्रेरक पुस्तकों और कैसेट को आप नेटवर्क मार्केटिंग के औजार समझ सकते हैं। इन औजारों के माध्यम से आप सफलता एवं सुविधापूर्वक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हैं। जिस प्रकार आज आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं इससे यह सिद्ध होता है कि आप इस पुस्तक को पढ़कर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और यह पुस्तक आपको इसमें सहायता प्रदान करेगी। इस प्रकार यह पुस्तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपके लिए एक औजार का कार्य करेगी और ऐसे ही कुछ औजार आप अपनी टीम को देकर उन्हें भी सफलता की राह पर ला सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ही क्यों, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए पुस्तकें और कैसेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप अधिक से अधिक अपनी टीम की अपनी बिजनेस मीटिंग सेमिनार एजुकेशनल प्रोग्राम से शामिल करें। इससे नए लीडर्स में आपकी पहचान सम्मान बढ़ेगा। प्लान देखकर ही लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं मगर एजुकेशनल प्रोग्राम में भाग लेकर वे लीडर बनते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से सुनिएगा। सर मेरे पास टेप रिकॉर्डर या कैसेट प्लेयर नहीं है, मेरे पास सीडी प्लेयर है, मैं क्या करूं? जी सर, सर आप बताइए। लोग मेडिकल की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। क्या आप इस बिजनेस को समझने एवं जानने के लिए एक टेप रिकॉर्डर नहीं खरीद सकते? याद रखें, दुनिया में जितने भी टॉप लेवल के ट्रेनर हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उनके अमूल्य विचार आपको ज्यादातर कैसेट में ही मिलेंगे। अतः अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए, इस बिजनेस में सफल होने के लिए आप तुरंत एक टेप रिकॉर्डर खरीदें। यह छोटा सा खर्च आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। बचाने की ना सोचें, बचाने वाले बचाते ही रह जाते हैं, कमाते कुछ नहीं। दोस्तों अगर आपके पास कैसेट या टेप रिकॉर्डर नहीं है तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सी किताबें हैं जिसको पढ़ के आप अपनी राह को और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्या लिखा है जी, आगे सूर्य सिन्हा जी एक डायलॉग में कहते हैं, इस व्यवसाय में सफल होने के लिए अपने खाली समय में इस बिजनेस से संबंधित किताबें पढ़ें, ऑडियो तथा अपनी कंपनी प्रोडक्ट बिजनेस प्लान आदि की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें और अपने आप की व अपनी टीम को हमेशा शिक्षित करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और बढ़ते रहने के लिए यह बेहद ज़रूरी है। दोस्तों चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, सर मैं इस बिजनेस की शक्ति को समझ चुका हूँ और दूसरों से इस बिजनेस की तारीफ भी करता हूँ मगर कोई ज्वाइन ही नहीं करता, मैं क्या करूँ सर? जी सुरेश सर, इस पर आपका क्या कहना है? दुनिया का कोई भी व्यवसाय एक दिन में नहीं जमता, उसे जमाने के लिए धैर्यपूर्वक अपने प्रयास जारी रखने होते हैं। छोटी मोटी दुकान ही जमाने के लिए व्यक्ति को लगभग साल भर तक धैर्यपूर्वक लोगों को यह विश्वास दिलाना होता है कि उसकी दुकान पर उच्च क्वालिटी का सामान मिलता है। इस विश्वास को कायम करने के लिए वह अपने ग्राहकों के लिए कोई एक फार्मूला बनाता है कि किस प्रकार उसे अपने ग्राहकों को डील करना है। और हम देखते हैं कि निरंतर प्रयास, सच्ची लगन, धैर्य और अपने मृदुल व्यवहार आदि के बल पर वह सफल होता है। ठीक उसी प्रकार इस बिजनेस में सफल होने के लिए बिजनेस का भी एक फार्मूला होता है। वह फार्मूला है 10-7-4-1, यानी यदि आप 10 लोगों से इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो केवल 7 व्यक्ति ही आपको सुनेंगे, बाकी 3 लोगों के लिए आपकी बातें बोरियत उत्पन्न करने जैसी होंगी। और आपको सुनने वाले 7 लोगों में से भी 4 लोग ही आपको गंभीरतापूर्वक सुनेंगे और इस बिजनेस के बारे में विचार करेंगे, और उन 4 में से केवल एक ही व्यक्ति आपको पूरी गंभीरता से लेगा और आपके बिजनेस के प्रति रुचि प्रकट करेगा तथा आपका बिजनेस को ज्वाइन करेगा। विश्वास करें, इस बिजनेस में जितने भी लोग सफल हुए उन सभी ने इसी फॉर्मूले के बल पर सफलता प्राप्त की है। और जो लोग शंकाओं के बीच झूलते रहते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते, वे आप सफल होने का इंतजार करते हैं, अपने आप भाई सफल हो जाएंगे ऐसा वो सोचते हैं। वे देखना चाहते हैं कि आप स्वयं इस बिजनेस के प्रति कितने गंभीर हैं, किंतु जब आप इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं तो वही लोग आपके साथ जुड़ने की चेष्टा करते हैं, तब उन्हें यह अफसोस होता है कि उन्होंने इतना समय क्यों बर्बाद किया, पहले ही आपकी बातों को गंभीरतापूर्वक लेकर इस शानदार बिजनेस को ज्वाइन क्यों नहीं किया। इसलिए मेरी बेबाक सलाह यही है कि आप धैर्यपूर्वक इस बिजनेस में
लगे रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आगे सूर्य सिन्हा सर ने क्या बताया है, इस व्यवसाय में आकर व्यक्ति न सिर्फ आर्थिक आजादी प्राप्त करता है बल्कि वह नाम, मान सम्मान, अच्छी शिक्षा, आत्मविश्वास, जीवन की सही तरीके से जीने का तरीका भी जानता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हम भी जानते हैं सूर्य सिन्हा सर से, हम भी अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया, सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कॉरपोरेशन के बारे में कई स्कैंडल सुने हैं और पढ़े हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? इसका जवाब है, मैंने भी बहुत से स्कैंडल्स के बारे में सुना है, मगर इससे क्या होता है? क्या केवल इसी व्यवसाय के साथ स्कैंडल्स जुड़े हुए हैं? स्कैंडल्स किसी के साथ भी जोड़े जा सकते हैं। वैसे भी जो स्कैंडल्स सुनाई देते हैं वे पारंपरिक संस्थाओं या पदों से संबंधित होते हैं। कुछ लोग कंपनी के संरक्षकों की निजी समस्याओं को बेवजह उछालते हैं। आप अपनी कंपनी से जुड़ी इस प्रकार की किसी घटना से या अफवाह से विचलित न हो, आवेश में न आए। कई बार तरक्की करने वाली कंपनी की तरक्की से कूद कर, मतलब कि उसको बुरा लगता है दूसरों को, उस भाई वो तरक्की कर रहा है दूसरा इंसान, तो उसी तरह कूद कर दूसरी कंपनियां भी उसे बदनाम करने के लिए उद्देश्य से अफवाहें उड़ाती हैं, मगर बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो सब ठीक हो जाता है। तो दोस्तों सूर्य सिन्हा सर क्या बताते हैं आगे, जब हम अपनी टीम को शिक्षित कर इस व्यवसाय से जुड़े सभी टूल्स जैसे किताबें हैं, कैसेट हैं, सीडी हैं, तो उपलब्ध करा देते हैं, तब वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, सर इस बिजनेस में कामयाबी पाने के लिए क्या कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ना आवश्यक है? तो दोस्तों इसमें सूर्य सिन्हा सर क्या जवाब देते हैं, आइए सुनते हैं। इसमें तकलीफ वाली क्या बात है, क्या आप किसी अच्छे कार्य में दूसरों को अपने साथ जोड़ना बुरा समझते हैं? अरे भाई, जो बिजनेस एक प्रमाणित सफल बिजनेस फॉर्मूला है उसमें दूसरों को अपने साथ जोड़ने में बुराई ही क्या है, इसमें आपको कोई तकलीफ तो होनी ही नहीं चाहिए। एक ऐसा बिजनेस जो साबित हो चुका है कि प्रमाणित है, सफल बिजनेस फॉर्मूला है, उसे दूसरों को भी ऑफर करने का अधिकार आपको पहले ही दिन से प्राप्त हो जाता है, इसमें शर्म वाली बात ही क्या है। इसमें तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप दूसरों को भी एक सफल बिजनेस देने जा रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही गई। इसलिए दोस्तों लाइक करते रहिए, अच्छी लग रही तो, सूर्य सिन्हा जी की बात अच्छी लगी तो लाइक करते रहिएगा। चलिए दोस्तों आगे सूर्य सिन्हा सर क्या बताते हैं, इस बिजनेस में सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है जब आप सोच समझ कर सही कंपनी का चुनाव करते हैं, फिर इस व्यवसाय की नीतियां और नियमों को मन लगाकर सही ढंग से सीखते हैं, तब इस व्यवसाय को प्रति अपने आपको समर्पित कर देते हैं, तभी आपको सफलता प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या बताया गया सूर्य सिन्हा सर के इंटरव्यू में। तो अगला क्वेश्चन ये है कि सर मैं भी इस बिजनेस में आना चाहता हूँ, क्या मुझे अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम के लिए इस बिजनेस में आ जाना चाहिए? सर आप क्या कहेंगे इस क्वेश्चन के बारे में? तो आइए इसका जवाब जानते हैं। आप अवश्य इस बिजनेस को ज्वाइन करें, मगर यह जरूरी नहीं कि इसके लिए पहले आप अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ें। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, किसी भी व्यापार में एकदम से धन की वर्षा नहीं होनी होती, किसी भी काम को जमाने में समय लगता है। इस काम को जमाने में भी समय लगेगा। शुरू में इस बिजनेस में शायद आपको उतनी आय न हो जितनी कि आप अपनी वर्तमान नौकरी से प्राप्त कर रहे थे। इससे आपको घरेलू बजट बिगड़ जाएगा, जो आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। ऐसे में आप चिंता मुक्त होकर यह बिजनेस नहीं कर पाएंगे और असफल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको तत्काल नौकरी छोड़कर इस बिजनेस को ज्वाइन करने की राय नहीं दूंगा। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कीजिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। आपको लगे कि आप इस बिजनेस को पूरी सफलता से कर रहे हैं, आपकी पार्ट टाइम इनकम ही आपको फुल टाइम इनकम से दुगना बढ़ जाए, तब आप भले ही नौकरी छोड़कर अपना पूरा समय इस बिजनेस को दे सकते हैं, किंतु उससे पहले ऐसी गलती न करें। इस व्यवसाय को करने से हमें वक्त और पैसे की वह आज़ादी मिल सकती है जो हमें किसी भी अन्य बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं मिलती। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है अगले क्वेश्चन में, सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में 6 महीने हो गए मगर अभी तक मुझे कोई खास सफलता नहीं मिली, ऐसे में मैं क्या करूं सर? कुछ समझ नहीं आ रहा, बताइए ना। अगले क्वेश्चन में हमारे सर सूर्य सर क्या जवाब देते हैं, आइए जानते हैं। ज़्यादातर लोगों को यही गलतफहमी होती है कि 4-6 महीने में ही वे सफल बिजनेसमैन बन जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता। इतना समय तो किसी भी बिजनेस को समझने के लिए चाहिए ही चाहिए। इस बिजनेस में विशेष तौर पर आपको समय लगाना पड़ेगा क्योंकि यह बिजनेस दूसरे सभी बिजनेस से जुदा है। इसमें आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होता है, अपनी सोच को बदलना होता है, अपने नजरिए को बदलना होता है, सही दिशा में चलना होता है। इस सारे कार्यक्रम में आपको 2-4 वर्ष तक का समय लग सकता है।
उस दौरान आप ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जो आपका साथ देते हैं और आपके साथ सफलता की राह पर चलने को तैयार होते हैं। इसमें कुछ लोग आपकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो आपको मार्गदर्शन करते हैं। आपका मकसद यही होना चाहिए कि आप बेहतर से बेहतर तरीके से अपने काम को सीखते हुए आगे बढ़ें। मीटिंग्स, फंक्शन और एजुकेशनल प्रोग्राम, बिजनेस के सिलेबस, ऐसे सिलेबस जिन्हें आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतना अधिक नंबर प्राप्त करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक मीटिंग, फंक्शन, एजुकेशनल प्रोग्राम अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो कैसेट, यूट्यूब वीडियोस देखते रहें। याद रखें, मेरे विचार से दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल प्रोग्राम से सबसे अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम है, जिससे लोग। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? जी सर, सर क्या सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है? इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने अपने अनुभव से यही पाया है कि बहुत सी कंपनियों ने जितने अच्छे एजुकेशन सिस्टम का दावा किया था उतने अच्छे उनके एजुकेशन प्रोग्राम थे नहीं। नहीं उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा था। ज़्यादातर कंपनियों से मैंने यह पाया कि वे आपको आपके मित्रों, जानकारों, संबंधियों को इस बिजनेस से जोड़ने की ट्रेनिंग देते हैं और सिखाती हैं कि आप कैसे कंपनी के उत्पादों को बेचकर एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। इसलिए किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले यह भी देखें कि उनका एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके। क्योंकि कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इतनी अच्छी शिक्षा एवं प्रशिक्षण देती हैं जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, जिसमें दुनिया की सबसे अच्छी रियल लाइफ बिजनेस की ट्रेनिंग दी जाती है, वही एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जी सवाल है, मुझे कैसे पता चलेगा, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ उसके एजुकेशनल प्रोग्राम अच्छे हैं और मुझे सफलता की राह पर ले जाएंगे? तो इसका जवाब क्या देना चाहेंगे आप? जवाब, इसके लिए आपको सर्वप्रथम उनसे यह पूछना चाहिए कि उनके एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्या हैं, वे लोग आपको कितना समय और समर्थन देंगे, उनकी मीटिंग किस प्रकार होती है, उनके एजुकेशनल प्रोग्राम के शिक्षक कौन हैं, वे किस तरह की शिक्षा देते हैं। इस बात की भी बड़ी गहराई से छानबीन करें कि कहीं वे लोग आपको मेंबर बनाने या सामान बेचने की स्कीम में तो शामिल नहीं कर रहे, कहीं वे लोग आपको इस प्रकार के आश्वासन तो नहीं दे रहे कि उनके साथ जुड़कर प्रोडक्ट बेचते ही आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। अगर ऐसा है तो इसका सीधा मतलब है कि कंपनी अपने फायदे के लिए आपको एक सेल्समैन बनाना चाहती है। ऐसी किसी भी कंपनी से जुड़कर न तो आप अपने व्यक्तित्व को निखार पाएंगे, न ही अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे, क्योंकि ये कंपनियां आपको सफलता की राह पर चलने के तरीके नहीं सिखा रही, बल्कि लोगों को अपने साथ जोड़ना और अपना सामान बेचना सिखा रही है। आपके माध्यम से ऐसी कंपनियां केवल अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती हैं, आपकी किसी भी प्रकार की तरक्की से उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जरूरी है खुले दिमाग से पहले आप कंपनी की पूरी जानकारी लें, उनकी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करें, यह भी जानकारी निकालें कंपनी के लीडर्स कौन हैं, वे कहां से आए हैं, स्वयं क्या करते हैं, किन बातों पर अधिक ध्यान देते हैं, वे सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने पर अधिक जोर तो नहीं दे रहे, आपको एक अच्छा और सफल व्यक्ति बनाने की बात पर भी ध्यान दे रहे हैं, वे आपको अपना मोहरा बनाकर एक सेल्समैन और मेंबर बनाने वाला एजेंट बनाना चाहते हैं, आपको संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करके आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ने में मदद देने के इच्छुक है भी या नहीं, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, इस पर क्या बताया गया है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है? दोस्तों, इसका जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां मनुष्य के व्यक्तित्व विकास के लिए जो विषय पढ़ाती हैं उसमें बस सबसे पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण को सकारात्मक दिशा देने का पाठ होता है। यह भी सिखाते हैं कि कैसे आप सफलता की राह पर चलें और आगे बढ़ें। नेतृत्व की कला सिखाती है कि कैसे आप दूसरों का नेतृत्व करें। बातचीत का ढंग सिखाती है, दूसरों का दिल जीतने की कला सिखाती है, आपके मन से डर और शंका मिटाती है, आप में आत्मविश्वास जगाती है, धन और समय का प्रयोग कब और कैसे करें यह भी सिखाती है, आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें, उसकी प्राप्ति कैसे करें यह सिखाती है। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोत्साहित करती हैं मानसिक स्तर पर कुछ अच्छा और नया सीखें और प्रयास करें जिसमें कुछ गलतियां भी होंगी, मगर अपनी उन गलतियों से भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और उन्हें सुधारेंगे, फिर इसी प्रक्रिया को दोहराते रहें। इस प्रकार मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। और सूर्य सिन्हा जी एक बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखते हैं। आने वाले समय में दुनिया का हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही करेगा, जो नहीं करेगा वो पछताएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल, नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनर की क्या भूमिका एवं महत्व है? सर,
सर इसके बारे में बताइए। जवाब, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, ट्रेनर का महत्व तो हर क्षेत्र में है। आप किसी भी ट्रेड में चले जाएं, वहाँ कोई ना कोई ट्रेनर अवश्य होगा। प्राचीन इतिहास को यदि हम देखें तो प्रत्येक सभ्यता में हमें गुरु का महत्व दिखाई देगा। गुरु शिष्य परंपरा की तरह ही ट्रेनर और ट्रेनी परंपरा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक गुरु के कंधों पर ही शिष्य के सर्वांग विकास का दायित्व रहा है। भगवान श्री राम सर्वसमर्थ पूर्ण परमात्मा थे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। किंतु पृथ्वी पर अवतार लेकर उन्होंने भी गुरु धारण किया। कुल गुरु वशिष्ठ ने उन्हें न केवल शिक्षा दीक्षा दी बल्कि उनके आत्मिक विकास का बीड़ा भी उठाया, अस्त्र शस्त्र आदि की शिक्षा दी। महाभारत काल में प्रख्यात कौरवों पांडवों के गुरु द्रोण थे। कर्ण को स्वयं परशुराम जी ने युद्ध कौशल की शिक्षा दी। भगवान कृष्ण ने संदीपनी को गुरु रूप में स्वीकार किया। आज आधुनिक युग में चूंकि आश्रमों की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, इसलिए विद्यालय में टीचर गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। क्रिकेट टीम में अलग अलग कोच की व्यवस्था है। इसी प्रकार आज बिजनेस गुरु वायु को व्यवसाय के नए नए तरीके दिखाते हैं जिससे सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चूंकि भारत में नया है, इसलिए इसे आगे बढ़ाने और बिजनेस से जुड़े व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए एक ट्रेनर की सख्त आवश्यकता होती है। ट्रेनर आपका आत्मिक मानसिक और शारीरिक विकास करता है, आपको सफल जीवन जीने का गुर सिखाता है, आपको अपने लक्ष्य से अवगत कराता है, आपके सोते हुए आत्मविश्वास को जगाता है, आपको समय प्रबंधन सिखाता है, आपकी व्यक्तित्व को निखार कर आपको लोक व्यवहार बिजनेस में कामयाब होने के तरीकों से अवगत कराता है। उसके बाद आप एक लीडर बनकर खूबसूरती से अपनी टीम को संभालते हैं। कोशिश करें कि आप भी अपने इर्द गिर्द किसी अच्छे ट्रेनर के संपर्क में आएं। नेटवर्क बिजनेस में जुड़े व्यक्ति को अच्छा ट्रेनर मिल जाने का मतलब आधी सफलता स्वतः प्राप्त कर लेना। गुरु उस्ताद ट्रेनर व ट्यूटर आदि के महत्व को आज के परिवेश में आप स्वयं समझ सकते हैं कि इसे झुठलाया नहीं जा सकता। विदेशों में तो आपकी राजनीतिक शिक्षक तक देखने को मिलेंगे। राजनीतिक शिक्षक, ये लोग कभी स्वयं राजनीति में नहीं आए, किंतु रामरस से बहुत से राजनीतिज्ञों ने अपने देश में रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाई। दोस्तों, सूर्य सिन्हा जी अब अगली लाइन में क्या कहते हैं, अगर सफलता का कोई रहस्य है तो यह है कि हम किसी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए से भी देख सकें, वही होता है असली नजरिया। दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आइए देखते हैं क्या बताया गया है, सुनते हैं ध्यान से। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ा हूँ। सर, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ा हूँ मगर वह कंपनी न तो किसी एजुकेशनल सिस्टम पर ध्यान देती है और न ही कंपनी से जुड़े सदस्यों के व्यक्तित्व विकास पर, इसलिए मुझे अपनी टीम का ध्यान रखना पड़ता है। इस कार्य में मुझे किसी का सहयोग भी नहीं मिल रहा। आज की तारीख में मेरी टीम भी बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। ऐसे में बताएगी मैं क्या करूँ सर? इसका जवाब है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसे ठीक तरह से जांच लेगी, कहीं वह आपको मोहरा तो नहीं बना रही। क्या वह कंपनी वास्तव में ही नेटवर्क मार्केटिंग के फॉर्मूले पर चल रही है या केवल अपने फायदे के लिए मेंबर्स या सेल्समैन बना रही है? दूसरे, अब आप इस कंपनी से जुड़े ही हुए हैं, आपको एक बहुत बड़ी टीम तैयार भी हो गई है। आप अपनी कंपनी से एजुकेशन सिस्टम की मांग करें और अपनी टीम का पूरा हवाला देकर उन्हें बताएंगे। आपकी टीम को सही मार्गदर्शन के लिए अच्छे ट्रेनर और मार्गदर्शन की जरूरत है, जिनके लिए आपकी टीम टिकट वगैरह भी लेने को तैयार है। कंपनी आपकी समस्या को नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी, इसके लिए आप भी समय समय पर अपनी टीम के उत्साह को एजुकेशन प्रोग्राम आयोजित करते रहें, अपनी टीम को अच्छे ट्रेनरों द्वारा ट्रेनिंग दिलाएं। ऐसा करने से आप अपनी टीम का विश्वास बढ़ा पाएंगे और टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। एक लीडर होने के नाते आपका एक फर्ज बनता है कि आपकी टीम की भलाई के लिए उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाते रहें। दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पर भी देखते हैं, नजर डालते हैं क्या बताया गया, आइए ध्यान से सुनते हैं। सर, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन कठिनाइयों के चलते इस बिजनेस को करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम क्या करें? जी सर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आइए सूर्य सिन्हा से इसका उत्तर जानते हैं। जी सर, बताइए। देखिए, आप यह न समझे कि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ही कठिनाइयाँ हैं। कठिनाइयाँ हर बिजनेस हर व्यवसाय में आती हैं। आप इस बिजनेस को कर रहे हैं इसलिए आपको इस बिजनेस की कठिनाइयाँ पता है। दूसरे बिजनेस चूंकि आप नहीं कर रहे हैं इसलिए उसकी कठिनाइयाँ भी आपको नहीं मालूम। कठिनाइयाँ हर बिजनेस में हैं, आपको इन कठिनाइयों से घबराना नहीं है। जितना आप इनसे घबराएंगे ये उतनी बड़ी दिखाई देंगी। इस बात को इस प्रकार समझे, आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं, अचानक एक कुत्ता आपको देखकर भौंकने लगता है, आप डर के मतलब डर कर
सोचते हैं कि कहीं काट ना ले, इसलिए आप वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। कुत्ता आपके पीछे भागता है, इसके दो कारण होते हैं। नंबर एक, वह आपको संदिग्ध समझता है। नंबर दो, वह आपको दौड़ाकर आनंदित होता है। किंतु यदि आप कुत्ते के भौंकते ही अपना स्थान पर खड़े हो जाते हैं तो निडरता पूर्वक उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर कहते हैं हट, तब आप देखते हैं कि वह चुप होकर दूसरी ओर चला जाता है। यही हाल कठिनाइयों का है। यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो गई है और आप उससे डरकर भागेंगे तो आपको और अधिक दौड़ाएगी, किंतु यदि आप उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं, तो आप उस मुसीबत आपका रास्ता छोड़ देंगे। दरअसल कठिनाई और कमजोर मनोबल वालों को तोड़ना चाहती है, उन्हें भयभीत करके लक्ष्य को भटकाना चाहती है। यही इनका प्रमुख कार्य है। देखा गया कि 90% मामलों में ये कामयाब होती है। 10% साहसी लोग इसे इनसे लोहा लेने के लिए तैयार रहते हैं। घबरा कर स्वयं ही उनके रास्ते से हट जाती है। आज समाज के किसी भी क्षेत्र में हम जिन कामयाबी व्यवसायों को देख रहे हैं वे 10% लोग हैं। इसलिए आप इन कठिनाइयों का मुकाबला करें, इनका सामना करें। अपनी गिनती 90% डरपोक आत्मबलहीन हथियार डाल देने वाले लोगों में न होने दें, बल्कि 10% लोगों में अपनी गिनती कराएं जिन्हें समाज सुधारू साहसी आत्मविश्वासी दृढ़ प्रतिज्ञ कहकर संबोधित करें। मेरा दावा है कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए ध्यान से गौर से सुनिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सर इस बिजनेस में काम तो हम करते ही हैं, मगर इसकी आमदनी उन्हें भी जाती है जो हमारे अपलाइन है, जबकि हम उन्हें जानते भी नहीं हैं और न ही उन्होंने कभी हमें सपोर्ट किया है। क्या ये इस बिजनेस का नेगेटिव पॉइंट नहीं है? वाह वेरी गुड क्वेश्चन। आइए जानते हैं इसका जवाब सुरेश सिन्हा सर से। जी सर बताइए इस पर आपका क्या कहना है। जी नहीं, बल्कि यही इस बिजनेस की खूबसूरती और खासियत है। शुरू में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है अवश्य है कि मेहनत तो हम कर रहे हैं और इनका ऊपर जा रही है, मगर जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसे इस बिजनेस का सिस्टम समझ में आने लगता है, वैसे वैसे उसकी भ्रांतियां मिटने लगती हैं। इसलिए उसे नेटवर्क मार्केटिंग का डस्ट कहा जाता है। आप साल दो साल मेहनत करके कुछ लीडर तैयार करते हैं, इसी प्रकार आपसे जुड़े व्यक्ति और फिर उनसे जुड़े व्यक्ति काम करते रहते हैं, आपका एक बड़ा ग्रुप तैयार हो जाता है। इससे आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाता है और आपकी आय भी। यही सिलसिला आगे बढ़ता रहता है और जिंदगी भर इनकम आती रहती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर दिया सुरेश सिन्हा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, आइए ध्यान से सुनिएगा। सर यदि कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए प्रयत्न करे फिर भी सफल न हो पाए तो उसे क्या करना चाहिए? चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं। यदि प्रयत्न करने के बाद भी किसी को सफलता नहीं मिल रही है तो इससे यही सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। या तो आप ठीक से कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए या इस बिजनेस के सिस्टम को पूरी तरह आपने फॉलो नहीं किया। इस प्रकार की असफलता से घबराएं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, जो आपका सीनियर है, आप उससे संपर्क करें और अपनी परेशानी उसे बताएं कि दिक्कत कहाँ आ रही है। तत्पश्चात उसकी सलाह से कार्य करें, अपने नेटवर्क से संबंधित मीटिंग्स फंक्शन फिर से अटेंड करें और वहाँ वक्ताओं को गंभीरता से सुनें। बिजनेस प्लान को बार बार पढ़ें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास अटेंड करें। जब आप नए सिरे से सारे सिस्टम पर गौर करेंगे, अपने सीनियर वक्ताओं को सुनेंगे, उनकी राय पर अमल करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आप स्वयं उस वजह को पकड़ लेंगे जो आपको मार्ग में बाधा बन रही थी। यह कुछ न कुछ ऐसा ही है जैसे किसी बच्चे के फेल हो जाने पर नियमित पढ़ाई के अतिरिक्त हम उसकी ट्यूशन भी लगा देते हैं। इससे उस बच्चे की कमियां दूर होती हैं, हम देखते हैं कि अगली परीक्षा में वह अपनी क्लास का टॉपर बन जाता है। इसी प्रकार अतिरिक्त समय देकर आप अपनी उस कमी को दूर कर सकते हैं जिसकी वजह से आप सफल हो रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर दिया सर ने। और अगला क्वेश्चन क्या है। सर मैं भी इस बिजनेस में सफल होना चाहता हूँ, मगर मेरे परिवार के लोग मेरा साथ नहीं देते, न ही मुझे सहयोग करते हैं। इन परिस्थितियों में मैं इस बिजनेस में कैसे टिका रहूं? सर इसके ऊपर जरूर आपका जो है आंसर दीजिएगा। तो सर क्या कहते हैं इसका जवाब, आइए जानते हैं। इस बिजनेस में टिके रहने की बात सबसे अहम है। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है आप अपने परिवार के समर्थन की। होता यह है कि कुछ लोग स्वयं तो इस बिजनेस को समझ लेते हैं किंतु अपने परिवार को इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं देते। मेरा मतलब है कि अपने परिवार वालों को कोई मीटिंग फंक्शन या सेमिनार आदि अटेंड नहीं करवाते और न ही उन्हें कोई ऑडियो कैसेट सुनने के लिए देते हैं, न ही पढ़ने के लिए पुस्तकें देते हैं। इसी प्रकार या इसी कारण परिवार के सभी सदस्य यह समझते कि न जाने उनका संरक्षण किस झमेले में फंस गया है। इससे उनके मन में असुरक्षा की भावना आती है, वे अपना पूर्ण समर्थन नहीं दे पाते। इसलिए जरूरी है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए
ये बिजनेस आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार को भी इस बिजनेस में शिक्षित करें, उन्हें ऑडियो कैसेट सुनने के लिए दें, उन्हें अच्छी अच्छी और प्रेरक पुस्तकें पढ़ने के लिए दें, साथ ही उन्हें नेटवर्क बिजनेस से सफलता के बाद मिलने वाली खुशहाली से अवगत कराएं। तब आप देखेंगे कि आपको आपके परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, आपको उसके बिजनेस में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर हमें क्वेश्चन के मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आइए जान लेते हैं, गौर से सुनिएगा। सर, मैं ये बिजनेस दिल से करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ, पर मेरे पास ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स अटेंड करने के लिए समय नहीं है। अब आप मुझे कुछ ऐसी तरकीबें बताएंगे जिससे मैं जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकूँ। इसका जवाब है, आपके पत्र से बड़ी ही अजीब बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप यह बिजनेस दिल से करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि आपके पास ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार के लिए समय नहीं है। ये बातें बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। यह कुछ ऐसा ही है कि मुझे प्यास तो लगी है लेकिन मैं पानी पीना नहीं चाहता। अब बताइए कि मेरे प्यास कैसे बुझे। मेरे दोस्त, प्यास लगने पर आप हलक तर करने के लिए चाहे दुनिया भर के पेय पदार्थ पी लें, लेकिन वास्तविक प्यास तो तभी बुझेगी जब आप पानी पियेंगे। इसी प्रकार इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको समय तो देना ही होगा। मैं पहले भी अपने बहुत से लेखों और पुस्तकों के माध्यम से यह बात स्पष्ट कर चुका हूँ कि दुनिया का यह इकलौता बिजनेस है जो सीखने सिखाने के नियम पर चलता है। यह बिजनेस ही सीखने सिखाने का है। यदि आप स्वयं इस बिजनेस को नहीं सीखेंगे तो जरा सोचिए कि आपकी टीम को यह बिजनेस कैसे सिखाएंगे। जब आपकी टीम इस बिजनेस को अच्छी से इस तरह सीख कर आगे नहीं बढ़ेगी तो आप कैसे सफल हो पाएंगे। इस प्रकार बिना सीखे, बिना समझे, बिना इस बिजनेस की गहराई में उतरे, यदि आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप इस बिजनेस को नया तो मन से कर रहे हैं, नया ही तन से। आप केवल अपना समय खराब कर रहे हैं। इससे तो बेहतर है कि इस प्रकार अपना समय नष्ट न करके आप कोई और काम कर लें। लेकिन हाँ, यदि आप वाकई इस बिजनेस को मन से करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के नियमों का पालन करना होगा और आप टाइम मैनेजमेंट ठीक करें। कमी समय की नहीं है, कमी है मैनेजमेंट की। मेरी राय है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करें और इस बिजनेस को अच्छी तरह सीखने के लिए समय निकालिए। अपने एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन की बातों को ध्यान से सुने। समय समय पर कंपनी या अपने एक्टिव अपलाइन आयोजित द्वारा मीटिंग सेमिनार्स को अटेंड करो। अपने सीनियर द्वारा बताई गई बातों पर अच्छे से उसे सुनकर आपको उसको मार्गदर्शन में लाइए। उनके सिखाए गए नियमों के अनुसार यदि आप चलेंगे तभी आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस बिजनेस में सफलता पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। याद रखिए, किसी भी व्यवसाय में सफलता पाने के लिए शॉर्टकट नहीं होता। मैं सिर्फ इसी बिजनेस की बात नहीं कर रहा, दुनिया का भले ही कोई भी बिजनेस आप करें, आपको उसके मूलभूत नियमों का पालन करना ही होगा। बिना सीखे और बिना नियमों का पालन किए आप किसी भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप यदि कार चलाते हैं तो आपको मालूम होगा कार के सफर का सुख आप और उसके नियमों का पालन करने के बाद ही उठा पाते हैं। कार के सफर का आनंद लेने के लिए आपको कार के इंजन में चाबी लगाना पड़ती है, स्टेयरिंग पर गियर बदलना पड़ता है, फिर एक्सीलेटर दबाकर कार को गति देनी होती है। ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करते हुए आपको सही तरीके से कार चलानी होती है, तभी आप अपने समय और स्थान पर पहुँचते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हाथ हिलाएं और कार आपको आपकी मनचाही मंजिल पहुँचा दे। अतः अपने सक्सेसफुल एक्टिव अपलायंस से जुड़ें, उससे टिप्स लें, उसके मार्गदर्शन में काम करें और लगातार काम करते हुए बिजनेस की सफलता का आनंद लें। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मीटिंग, सेमिनार को अपनी आपकी सफलता में रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। इस समय न होने का बहाना बनाकर इनसे मुंह न मोड़िए। इस बिजनेस में आप समय देंगे तभी आपकी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया है। सर, मैं इस व्यवसाय में सफल होना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, मीटिंग वगैरह भी अटेंड करता हूँ, लगातार अपने अपलाइन के संपर्क में भी रहता हूँ, रोजाना नए नए लोगों से भी मिलता हूँ। लोग मेरी बात तो सुनते हैं लेकिन उसके बाद मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं देते। ऐसे में मैं क्या करूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जो आपका पत्र पढ़कर सबसे पहले मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वह यह है कि किसी कारणवश लोग आप पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। इसलिए आप कुछ बातों पर ध्यान दें, जैसा कि मैंने नीचे बताया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीते समय में आपसे जाने अनजाने कोई ऐसा गलत काम हो गया हो जिसके कारण लोग आप पर आसानी से विश्वास नहीं करते हों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सामने वालों को अपनी बात पूरे आत्मविश्वास से न बता पाते हों। ऐसा तो नहीं है कि आपके
व्यक्तित्व में कोई कमी हो, आपकी पर्सनैलिटी उन पर वैसा प्रभाव नहीं डाल पाती हो जैसा कि डालना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपनी कंपनी में प्रोडक्ट की अधूरी जानकारी हो सकती है कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को आपने स्वयं इस्तेमाल नहीं किया हो, इसलिए आप कंपनी के प्रोडक्ट को पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। विश्वास न करने की भी एक बड़ी वजह हो सकती है। इस संदर्भ में मैं आपको कुछ राय दे रहा हूँ, उसको ध्यान से और गौर से सुनिएगा। नंबर 1, आपको इस समय या ऐसी कंडीशन में सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप किसी मानव प्रशिक्षक से प्रशिक्षण लें ताकि आपका आत्मिक विकास हो सके। नंबर 2, प्रत्येक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर और या इंटरवेंशन प्रोग्राम व अन्य कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रायोजित करती है या कराती है, जिसमें कंपनी अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के विकास के लिए सीनियर या सफल डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा बिजनेस में सफलता के नए नए गुर सिखाने का प्रयास करती है। आपको चाहिए कि आप हर कीमत पर कंपनी द्वारा आयोजित इस तरह के सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अवश्य अटेंड करें। नंबर 3, इसके अतिरिक्त जनरल नॉलेज प्रोग्राम्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, टीम बिल्डिंग प्रोग्राम, कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि भी किसी अच्छे मानव प्रशिक्षक से प्रेरक के पास जाकर सीखें, अटेंड करने का प्रयास करें। मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप मानव प्रशिक्षकों व प्रेरकों द्वारा आयोजित ये सभी प्रोग्राम अटेंड करके अपने अंदर एक बेहतरीन सुधार ला सकते हैं और बड़ी से बड़ी सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन हम चलते हैं। सर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, उनका निवारण कैसे हो? चलिए इसका निवारण भी देख लेते हैं। जी सर, बताइए इसका क्या निवारण है। आपकी कोई भी समस्या हो उसे अपने अपलाइन के समक्ष रखें और उसका समाधान पाएं। अपने अपलाइन की बातों को ध्यान से सुने और उसका यथासंभव अमल भी करें। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से संबंधित बुक्स होगी, ऑडियो कैसेट को याद या कोई यूट्यूब वीडियो को आप पूरे मनोयोग से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आपकी लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। बहुत ही बढ़िया बुक है, पढ़ने में भी मजा आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन देखते हैं। सर, मैं जब भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बात करने लगता हूँ तो कुछ लोग मुझ पर हंसने लगते हैं और मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। उस वक्त कहां पर मौजूद कोई भी व्यक्ति मेरा हौसला नहीं बढ़ाता, मुझे क्या करना चाहिए? जी सर, सूर्य सिन्हा सर बताइए इस पर, इनका आंसर दीजिए। जी, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक लीडरशिप डेवलपमेंट बिजनेस भी है। इस बिजनेस की यह भी एक खासियत है कि एक साधारण व्यक्ति को भी निखार कर यह उसमें लीडरशिप के गुण भर देता है, जिसके कारण वह साधारण व्यक्ति भी लीडर बनकर दूसरों का नेतृत्व करने लगता है। उसे दूसरों के हौसले की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वह स्वयं दूसरों का हौसला बढ़ाने के योग्य हो जाता है। लोग उसे लीडर के रूप में स्वीकार कर ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनने लगते हैं। इस बिजनेस का सिद्धांत है कि यदि आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको लीडर की भूमिका निभानी होगी। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखें, उसमें आपको लीडरशिप के गुण अवश्य नजर आएंगे। वे कभी यह नहीं सोचते कि लोग उनकी कैसे बुराइयां कर रहे हैं या उनके विषय में क्या कह रहे हैं। आप गौर करें उनके काम करने के ढंग पर, वे लोग लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते दिखाई देंगे, इसलिए वे एक के बाद एक दूसरी के बाद तीसरी सफलताएं हासिल करते रहते हैं। इसी गुण के कारण लोग उन्हें अपना लीडर मानते हैं। यदि आप भी इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी लीडर बनना होगा। अतीत को भुलाकर निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प लेना होगा, तब जाके सफलता मिलेगी। तो दोस्तों चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में। सर, कई बार हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमें दूसरे तरीकों से हतोत्साहित करते हैं। वे कहते हैं कि बड़े बड़े सपने देखने बंद कर, इस बिजनेस से कुछ नहीं मिलने वाला, देख लेना यह कंपनी कुछ महीनों में ही भाग जाएगी और तब लोग तुझे ही पकड़ेगी। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जी सूर्य सिन्हा सर बताइए, इनका आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है। जी सर, हमारे देश में ऐसी सैकड़ों कंपनियां आई और आकर चली गई जिन्होंने लोगों से सिर्फ पैसे लिए और उन्हें जोड़ती चली गई, किंतु अब उनका पर्दाफाश होने का समय आ गया है तो वे गायब भी हो गई। वे कंपनियां न तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही थी और न ही उनके अपने कोई प्रोडक्ट थे, न ही उनकी कोई अपनी कोई फैक्ट्री थी, न प्रोडक्शन हाउस था। वे कंपनियां सिर्फ मेंबर बनाने की स्कीम चला रही थी। और आज भी बहुत सी कंपनियां हैं जो गैर कानूनी रूप से अपनी स्कीमें चला रही हैं। ऐसी कंपनियां शीघ्र बंद हो जाएंगी या गायब हो जाएंगी, आप उन्हें ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने से पहले
यह देखेगी उस काम कंपनी की आर्थिक क्षमता कितनी है, कंपनी के संचालक कौन है, कंपनी आपसे क्या ले रही है और बदले में आपको क्या दे रही है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है, कहीं आप कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर ठगे तो नहीं जा रहे, क्या वे प्रोडक्ट आप आम आदमी की जरूरत के मुताबिक हैं, क्या उनकी गुणवत्ता अच्छी है। यह भी देखें कि कंपनी का प्रवेश शुल्क अधिक तो नहीं है, कंपनी जितना पैसा आपसे ले रही है क्या उतने सामान का भी आपको दे रही है, क्या उस कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है, क्या कंपनी के सेंटर जहाँ से आपको सामान मिलेगा आपके घर के नज़दीक है, क्या कंपनी के सभी प्रोडक्ट उसके सेंटर पर उपलब्ध हैं, क्या वह कंपनी इस बिजनेस के साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट एजुकेशन प्रोग्राम भी आयोजित करती है। यदि कुछ ऐसा कुछ नहीं है तो आप किसी भी कंपनी को, हर किसी भी ऐसी कंपनी को ज्वाइन ना करें। दोस्तों सबसे पहले अच्छे से छानबीन कर ले किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। सबसे पहले एक बात पर ध्यान दीजिएगा, हम सफल क्यों नहीं हो पाते, इसके पीछे यही तो कारण है, हमें कोई भी आकर हमें उल्लू बना जाता है। सबसे पहले हमें जानकारी लेना चाहिए, अगर जिस इंसान ने हमें कोई कंपनी के बारे में बताया है उसको गूगल पर, यूट्यूब पर, है ना, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर चीज़ पर छान मारो, तब जाके हमें विश्वास करना चाहिए। होता क्या है उल्टा, कोई भी आया हमें समझाया, चल भाई उल्लू बना के चला गया, चलो उल्लू बन भी गए तो अगली बार तो ना बने, अच्छे से छानबीन करके उसके बाद ही किसी कंपनी को ज्वाइन करें और सावधान रहें, सतर्क रहें। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है। सर कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि यह बिज़नेस तो बहुत अच्छा है मगर हम इस बिज़नेस के बारे में किसी से कुछ कह नहीं सकते और न ही किसी को इस बिज़नेस के लिए तैयार कर सकते हैं, ऐसे में हम क्या करें। चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं। आप स्वयं ही सोचिए कि लोग आज तक क्या करते आए हैं, यदि उन्हें कोई फिल्म अच्छी लगी तो दूसरों के सामने उनकी तारीफ की, किसी डॉक्टर के इलाज से उनकी आशा से अधिक लाभ प्राप्त हुआ तो दूसरों के सामने उसकी तारीफ कर दी, किसी रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगा तो उसकी प्रशंसा के पुल बांध दिए। ये काम कमोबेश हम सभी करते हैं, उनके बदले में हमें कुछ मिलता भी नहीं, मगर नेटवर्क मार्केटिंग सच्ची तारीफ करने के बदले में आपके घर में कुछ पैसा भी आता है तो, और हमेशा आता रहता है, ऐसे में दूसरों से इस बिजनेस की तारीफ करने में आपको क्या प्रॉब्लम आती है। आज तक आपने जो कुछ भी सीखा है कहीं ना कहीं से किसी न किसी से सीखा ही है, ठीक इसी प्रकार यदि आप थोड़ा ध्यान लगाकर इस बिजनेस को भी सीख लेते हैं तो आप भी इस बिजनेस की तारीफ दूसरों के सामने करेंगे और उससे लाभ भी होगा। इस बिजनेस की तारीफ दूसरों के सामने करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, किंतु इसमें धैर्य की आवश्यकता है क्योंकि शुरुआती दौर में आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा, मगर जब आप पूरी दृढ़ता से अपनी बात पर कायम रहेंगे तो धीरे धीरे लोग आपको गंभीरता से सुनेंगे और आप पर विश्वास भी करेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है ये जान लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी। सर हमें कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि यह बिजनेस तो बिल्कुल ही बेकार है, हम ऐसे भी बहुत से लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन तो किया था मगर उन्हें मिला वही डाक के तीन पात, इसलिए उन्होंने भी इस बिजनेस को किनारा कर लिया। अब ऐसे लोगों को हम क्या जवाब दें, आइए इसका जवाब जान लेते हैं। ऐसे लोगों का आप विरोध न करें, धैर्य पर उन्हें समझाएं कि आप ठीक कह रहे हैं, बहुत से लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ऐसा वाला होकर छोड़ा भी, किंतु उससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह बिजनेस बेकार है। आप कोई दुकान खोल दें और उसे चला नहीं पाते तो उससे यह सिद्ध नहीं होता कि दुकानदारी एक ऐसा वाला व्यापार है। किसी भी व्यवसाय में सफलता या असफलता व्यक्ति की अपनी निजी काबिलियता पर निर्भर करती है। कुछ लोगों को यह भरम होता है कि वो बहुत ज़्यादा काबिल है, किसी भी बिजनेस की बारीकियाँ एक नज़र देख कर ये समझ जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा और हर व्यवसाय में असफल होते हैं। वे ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने दोषों की ओर ध्यान न देकर उस धंधे में दोष निकालने लग जाते हैं जिसमें असफल हुए होते हैं। दरअसल इस बिजनेस में असफल होने वाले अधिकांश वही लोग होते हैं जो बिजनेस कैश सिस्टम को भी ठीक से फॉलो नहीं करते, बिजनेस के कैश सिस्टम को ठीक से समझते नहीं, उतली और अधकचरी जानकारी लेकर वे स्वयं को सब कुछ समझ गया कहकर अपनी फील्ड में उतर जाते हैं, नतीजा वही होता है असफलता। आप स्वयं सोचिए कि जब आपको किसी सिस्टम की पूरी जानकारी नहीं है तो आप किसी दूसरे को उस सिस्टम के विषय में कैसे समझा सकते हैं। ऐसे लोग जब सामने वाले की आकांक्षाओं का समाधान नहीं कर पाते तो वे लोग उस पर ज्ञान को लेकर हंसेंगे, इससे वे खींच जाते हैं, अपना उपहास उड़वाते हैं, जानने से क्रोधित होकर इस बिजनेस को या छोड़कर चले जाते हैं। यदि यह मान भी लिया जाए कि यह बिजनेस ठीक नहीं है तो जरा सोचिए दूसरे लोग इस बिजनेस को सफलतापूर्वक कैसे अंजाम कर रहे हैं या इस बिजनेस को कर रहे हैं। पिछले 50 वर्षों से दुनिया भर के लाखों लोग इस बिजनेस को कैसे अपनाए हुए हैं। इस बिजनेस की बारीकियों को समझने वाले सफल नायक बेरबरी
बेवरली एल्डर की इस बात को आप गलत सिद्ध नहीं कर सकते कि अमेरिका में 5 लाख से अधिक करोड़पति हैं, उनमें से 20% पिछले वर्षों में नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा करोड़पति बने हैं। नेगेटिव प्रचार करने वाले लोगों की ओर ध्यान मत दीजिए, उन लोगों की संगत कीजिए जिनके विचार पॉजिटिव हैं, जो तस्वीर का उज्ज्वल पक्ष देखते हैं। जो असफल हो गया वह नहीं चाहेगा कि उसी बिजनेस में उसका कोई जानकार या मित्र अथवा संबंधी सफल हो, क्योंकि इसमें उसकी इंसल्ट होती है। लोग पूछ सकते हैं कि अगर बिजनेस ठीक नहीं है तो फला इसमें सफलता पर कैसे अंजाम दे रहा है, कैसे इसी बिजनेस की बदौलत उसके घर में खुशियों की बरसात हो रही है। इसलिए स्वयं पहले इस सिस्टम को पूरी तरह समझें और फिर अपनाएं। असफल लोगों की बातें ना सुने, प्रगतिशील लोगों की संगत करें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए एक नई खुशहाली दुनिया का प्रवेश लेकर आई है, यह मानकर और दृढ़ विश्वास रखकर इस बिजनेस को अपनाएं। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनिएगा। सर, कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जो पहले तो इस बिजनेस पर भरोसा ही नहीं करते, यदि किसी तरह उन्हें विश्वास में ले भी लिया जाए तो ये लोग उस पर ऊपरी तौर पर तो सहमत दिखाई देते हैं लेकिन वादा करके भी मीटिंग्स और फंक्शंस अटेंड नहीं करते, ऐसे लोगों को किस प्रकार डील की जाए? जवाब, दोस्तों आप स्वयं सोचिए, यदि आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या आप ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना पसंद करेंगे जो वादा खिलाफी करते हैं, जिनकी नज़र में आपने प्रॉमिस की है कोई कीमत न हो, उनसे आपको क्या लाभ पहुंच सकता है? अतः ऐसे लोगों के विषय में आपको अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग अस्पष्टवादी व अस्थिर विचारधारा के होते हैं जो केवल आपका समय नष्ट करवाते हैं। ऐसे लोगों के लिए परेशान नहीं होना है, अपने बिजनेस के फॉर्मूले को 10-7-4-1 को ध्यान में रखना है। आपकी कोशिशों से इनमें से यदि एक व्यक्ति भी आपके साथ जुड़ गया तो आपको आपकी सफलता है न कि असफलता। आपके लिए परेशानी की बात तब होती जब आप 10 में से 1 व्यक्ति को भी प्रभावित नहीं कर पाते। यदि आप अनिच्छुक 9 लोगों के पीछे पड़ रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं तो आपने उनमें से किसी एक को बिजनेस में ज्वाइन भी करा दिया तो यकीन मानिए कि वह बहुत जल्दी इस बिजनेस को छोड़कर भाग खड़ा होगा। अतः ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराने की चेष्टा में अपना कीमती समय खराब न करें। अगले 10 लोग चुनें, उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताएं और अंतिम प्रयास के तौर पर अपने सीनियर उनके मीटिंग अवश्य करवाएं। यदि तब भी वे लोग राजी न हो तो उन्हें भूल जाएं। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है जिसके चलते वे लोग कोई भी नया काम हाथ में लेते हुए घबराते हुए साथ नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं। और सर, इस बिजनेस में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें लाख समझाएं लेकिन वे समझते ही नहीं, उल्टा बहस करने लगते हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? इसका जवाब आइए जानते हैं। ऐसी स्थिति में आप उनसे बहस न करें, क्योंकि यदि आप उनसे बहस करेंगे तो वे आपकी बात को समझेंगे नहीं बल्कि आप लोगों के बीच कटुता उत्पन्न हो जाएगी जो दोनों ही पक्षों के लिए नुकसानदायक साबित होगी। नेटवर्क मार्केटिंग का काम जोड़ना है न कि मतभेद अथवा अलगाव करना है। दरअसल नेटवर्क मार्केटिंग हमारे देश के लिए एकदम नया कार्य है, इसलिए लोगों को इसके विषय में अधिक जानकारी नहीं है। इसके अलावा हमारे देश में पिरामिड स्कीमें आई और आकर गायब भी हो गई जिसकी वजह से लोगों में कई भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर असामाजिक तत्वों द्वारा ठगे भी गए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं आपको मिल सकते हैं जो किसी नेटवर्क चैनल से जुड़े हैं, उनकी स्कीम के अनुसार मेहनत की बाद में उस चैनल के कर्ता धर्ता धन उगाही करके गायब हो गए। जिन्होंने उनके लिए दिन रात तक एक किया था वे लोग ठगे से रह गए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति कहता है कि इस बिजनेस के विषय में वह सब कुछ जानता है तो उससे हरगिज भी बहस न करें, समझ लें कि वह व्यक्ति किसी असामाजिक तत्व द्वारा ठगा गया है। आहत है, ऐसे में केवल उसकी बात सुने। वह आपको इस प्रकार के वाक्य भी कह सकते हैं कि इस धंधे या व्यवसाय में आप अपनी ज़िंदगी खराब कर लेंगे, दूसरी ओर भी यह नसीहतें भी दे सकता है। ऐसे में आप केवल उसकी बातें सुने और यह कहकर उससे विदा लें कि आप उसकी नसीहतों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं मन में प्रतिज्ञा कर लेगी आपको अपने बिजनेस में कामयाब होकर उस शख्स की भ्रांतियाँ दूर करनी है। ऐसे लोगों से बातें करके भी आपको एक बल प्राप्त होगा। हाँ, मुनासिब है समझे तो उसकी अपने सीनियर से एक मीटिंग करा दें, उसे अपने बिजनेस सेंटर पर ले जाएं और अपने प्रोडक्ट उसे दिखाएं। उसे कुछ न कहें बल्कि उसे स्वयं देखभाल कर समझने का अवसर दें। हो सकता है भविष्य में उसमें स्वयं आपसे जुड़ने का रुझान पैदा हो जाए, इसलिए बहसबाजी करके मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न न होने दें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आंसर भी बढ़िया जबरदस्त दे रखे हैं और पढ़ने में भी मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बताया गया, सर हमें कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें हम लाख समझेंगे मगर वे कुछ समझने को तैयार नहीं होते, नहीं अपने
अपने डरे में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट करें? वही अभी अभी बताया गया था, वही क्वेश्चन दोबारा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। वही बात है, ऐसे लोगों पर अपना समय ज़्यादा नष्ट न करें, क्योंकि जो लोग समय के साथ न बदलने की कसम खाए बैठे हैं उन्हें आप किसी भी प्रयास से बदल नहीं सकते। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा दूरी बनाए रखें और अपना काम लगातार करते रहें। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सर, मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर रखी है। कंपनी ज्वाइन करने से पहले मेरे अपलाइन ने कहा था कि कंपनी के सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मगर अब जब मैं और मेरी डाउनलाइन उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में हम क्या करें? यदि कंपनी क्वालिटी का कमिटमेंट करके भी अच्छी क्वालिटी का उत्पाद नहीं दे रही है, तो आप अपने अपलायन या लीडर के साथ मिलकर कंपनी के मैनेजमेंट से बात करें कि पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का यह पहला कर्तव्य है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दे। हर बड़ी कंपनी में एक क्वालिटी कंट्रोल यूनिट होती है जहां उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को जांचा परखा जाता है। यदि कंपनी आपकी समस्या पर ध्यान ना दे तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कंपनी सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रही है और नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही, अतः इस प्रकार की कंपनी से आप बच के रहें। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बताएगा? सर, हमें अपने नेटवर्क बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूनिक, दमदार और उच्च क्वालिटी के हैं। इसका जवाब जानते हैं, आइए देखते हैं। इस प्रश्न से साफ जाहिर है कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं, अब आप तेजी से तरक्की करने के इच्छुक हैं। आपका यह प्रश्न बेहद अहम है। बहुत से लोग कंपनी से जुड़ तो जाते हैं लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि अब आगे कैसे बढ़ना है। दोस्तों, इस बिजनेस को आगे बढ़ने का भी एक सिस्टम है। यदि आप सिस्टम से चलेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप अवश्य ही कामयाब होंगे। सिस्टम यह है कि आप अपने सक्सेसफुल अपलायन को फॉलो करें और उनके अनुसार कार्य करें। कोई भी नया एक्सपेरिमेंट अपने अपलायन से पूछे बिना मत करें। पहले इस्तेमाल करें फिर बताएं, यानी यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट्स। जिस कंपनी से आप जुड़े हैं उसके जो भी प्रोडक्ट है उन्हें पहले आप स्वयं इस्तेमाल करें, फिर दूसरों को उनकी गुणवत्ता के बारे में बताएं। दूसरों को कभी भी अंधेरे में न रखें। याद रखें, यदि कंपनी के प्रोडक्ट दमदार नहीं होंगे, अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, तो आप मनचाहे उन्नति नहीं कर पाएंगे। अतः उस प्रोडक्ट को पहले स्वयं प्रयोग करें, फिर यदि आपको लगता है कि कंपनी के प्रोडक्ट यूनिक और अच्छी क्वालिटी के दमदार हैं, आप दूसरों को भी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता के विषय में आप आत्मविश्वास से बताएं और उनसे कहें कि वे उन प्रोडक्ट्स को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाएं। जब आपकी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो उनके विषय में पूरी आत्मविश्वास से भरकर जो कुछ भी बताएंगे लोग उस पर विश्वास भी करेंगे, क्योंकि सच बोलते समय आदमी के चेहरे पर जो चमक होती है, आवाज़ में विश्वास भरी जो दृढ़ता होती है, वह भी आपके चेहरे पर दिखाई देगी। याद रखें, यदि आपने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट स्वयं इस्तेमाल नहीं किए और आप दूसरों को उसकी गुणवत्ता के बारे में बता रहे हैं, तो आपके चेहरे पर न तो सच्चाई वाली चमक होगी, न ही आपकी आवाज़ में दम होगा जो एक सच्चे आदमी की आवाज़ में होता है। आपकी आवाज़ में संदेह होगा, आप खुल कर कह नहीं पाएंगे हाँ यह चीज़ अच्छी है, आपके पैसे का सही मूल्य अदा करने वाली है। यदि ऐसा होता है तो मान लीजिए सामने वाले आपसे पूछ बैठ रहे, क्या आपने इन प्रोडक्ट्स को खुद प्रयोग किया है? तो मैं दावे से कह सकता हूँ एकाएक आपको कोई उत्तर नहीं सूझेगा। अगर ढीठ बनकर आपने हाँ में उत्तर दिया तो आपका उत्तर हड़बड़ा हुआ चेहरा बता देगा कि आप साफ साफ झूठ बोल रहे हो। अतः इन सब झमेलों से बचने के लिए आप पहले स्वयं कंपनी के प्रोडक्ट यूज करें, इस्तेमाल करें, फिर पूरे आत्मविश्वास से सच्चाई के साथ उसे बताएं। हाँ, मैंने भी इन प्रोडक्ट्स को पहले खुद इस्तेमाल किया, तभी आपसे इतने विश्वास के साथ कह रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद आप दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य करें और वह लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाएं, यानी मेक ए लिस्ट। आप दो किस्म के लोगों की लिस्ट बनाएं, अपने रिश्तेदारों में से, परिचित जानकारों में से, जानकार और आस पड़ोस में रहने वालों लोगों में से छांट कर दो कैटेगरी बनाएं। एक लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखें जिन्हें आप केवल अपना यूजर बनाना चाहते हैं, दूसरी लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखें जिन्हें आप अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं। जिन्हें आप यूजर बना रहे हैं उन्हें पूरे विश्वास के साथ अपनी कंपनी के प्रोडक्ट प्रयोग करने का आग्रह करें। उनसे फिलहाल बिजनेस की कोई बात न करें। इनमें से आप उन लोगों को रखें जो थोड़े शंकालु किस्म के और नेटवर्क मार्केटिंग नामक इस बेहतरीन बिजनेस को शक की दृष्टि से देखते हों, ऐसे विचार रखते हों कि हमें किसी झमेले में नहीं पड़ना। इस तरह के लोगों को आप केवल अपना यूजर बनाएं। इस लोगों से केवल अपनी कंपनी प्रोडक्ट खरीदने और इस्तेमाल करने आग्रह करें। यदि यहाँ आपकी जानकारी बता दूँ, प्रत्येक अच्छी नेटवर्क कंपनी के अपने स्टोर होते हैं जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर भी पैसा देकर कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स डिस्काउंट रेट्स पर खरीद सकते हैं। हाँ, तो मैं यूजर्स की बात कर रहा था। यूजर्स से आप केवल प्रोडक्ट प्रयोग करने का आग्रह करें।
लेकिन मन ही मन यह भी ध्यान रखें कि हो सकता है यही यूजर आगे चलकर आपके बिजनेस पार्टनर बन जाए, यानी आपको उन्हें बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कहना है। आपका प्रोडक्ट यही दमदार गुणवत्ता से परिपूर्ण है तो वे खुद आपसे कहेंगे वे आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ना चाहेंगे। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखें जो जीवन में तरक्की करने के इच्छुक हैं, जो बड़े बड़े सपने देखते हैं और अपनी मेहनत से उन्हें पूरा करना भी चाहते हैं, जो जुझारू हो, कर्मशील हो, ऐसा जो चाहें जैसा भी त्याग करके जीवन में कुछ करना हो, कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं, जो सकारात्मक सोच रखते हैं, बदलाव के पक्ष में हैं। ऐसे लोगों को आप आसमान छूने का सपना, उसके सपने को पूरा करने का रास्ता इस खूबसूरत बिजनेस के रूप में दिलाएंगे। मेरा विश्वास है कि सूझबूझ वाले लोग और दूरदर्शी लोग आपके साथ अवश्य जुड़ेंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक टीम वर्क है। आपकी टीम जितनी बड़ी होगी उतना ही आपको अपनी कंपनी की ओर से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक लाभ होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपकी इनकम की कोई सीमा नहीं है। आप और आपकी टीम जितनी ज़्यादा मेहनत करेगी उतनी ही ज़्यादा कमाई करेगी। इस व्यवसाय में आज कई लोग ऐसे हैं जो किसी समय ढंग की दाल रोटी भी नहीं खा पाते थे, वे आज करोड़ों में खेल रहे हैं। कैसे, आइए इसे समझते हैं। फुटकर बिक्री एवं प्रोडक्टर की प्रस्तुति यानी रिटेलिंग एंड स्पॉन्सरिंग। इसमें दो शब्द हैं, पहला रिटेल जिसका मतलब है फुटकर में माल बेचना, दूसरा स्पॉन्सर जिसका मतलब है अपने व्यवसाय में अपने साथ दूसरों को भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, सयाने लोग मिट्टी को भी सोने के भाव बेच देते हैं। इसे मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें वे किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करते, मिट्टी को मिट्टी ही बताते हैं, लेकिन उनकी प्रस्तुति इतनी बेहतरीन होती है, वे मिट्टी को इस प्रकार स्पॉन्सर करते हैं कि सामने वाला खुशी खुशी उसे खरीद लेता है। दरअसल अपने प्रोडक्ट को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना, स्पॉन्सर करना एक कला है और इस बिजनेस में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने के लिए आपको इस कला में माहिर होना चाहिए। इस सारे मामले में आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बड़ा महत्व रखती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, प्रोडक्ट यूनिक कैटेगरी का हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाते हैं। अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करते समय आप पूरे विश्वास से भर जाते हैं। इस पर भी यदि आप सच्चे हैं, समाज में प्रतिष्ठित हैं, आपकी साख दूसरों की नज़र में अच्छी है तो दूसरों को आप अपना ग्राहक बनते देर नहीं लगती। यदि आप में ये कला नहीं है तो आपको स्पॉन्सर एंड रिटेलिंग की इस कला को सीखना चाहिए। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि प्रत्येक कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रोग्राम आयोजित करती है जिसमें सीनियर व सफल डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग देते हैं और वे सभी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताते हैं कि कैसे उन्हें अपने प्रोडक्ट को बेचना है और कैसे उन्हें अपने दूसरे स्पॉन्सर को करना है। अच्छा और जागरूक डिस्ट्रीब्यूटर फौरन इस कला को सीखने में जुट जाते हैं। वे अपने सीनियर्स द्वारा बताई गई बातों पर अमल करते हैं, बार बार ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ कार्य करते हैं। फिर कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वे निराश नहीं होते, अतः सफल हो पाते हैं। इस बीच आपको अपने यूजर्स के संपर्क में बराबर रहना है, अपने प्रोडक्ट के विषय में उनकी राय लेनी है। चूँकि आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं इसलिए वहाँ भी आपको अपने प्रोडक्ट के विषय में पॉजिटिव रिपोर्ट मिलती है। इसी क्रम में आपके कुछ यूजर तो बार बार आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहेंगे और समय समय पर आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए इच्छा जारी करते रहेंगे। कुछ यूजर तो इस बेहतरीन बिजनेस में आपके साथ जुड़ने की न केवल इच्छा जारी करते हैं बल्कि जुड़ भी जाते हैं। और इसके अलावा कुछ अन्य लोग जो आपके यूजर नहीं थे बल्कि बेहिसाब तरक्की के इच्छुक थे, वे भी आपके साथ जुड़ जाते हैं और इस प्रकार आपकी टीम बढ़नी शुरू हो जाती है। सीखना वह सिखाना शुरू करें, यानी लर्न एंड टीच। जैसे कि पहले भी कई मीटिंग्स में, सेमिनार, कार्यशाला में बता चुका हूँ, इस बिजनेस में सफलता सिर्फ सीखने और सिखाने पर निर्भर करती है। किसी भी टीम लीडर के लिए यह एक बेहद अहम और जिम्मेदारी वाला काम है। आपकी टीम की सफलता इसी बिंदु से शुरू होती है कि आप अपने साथ जुड़े लोगों को किस प्रकार यह बिजनेस सिखाते हैं। टीम लीडर को हर रोज स्वयं की सीखना होता है कि वक्ता वक्त पर अपने साथ जुड़े लोगों को सिखाना भी है। इस कार्य को सरल बनाने के लिए आप कंपनी द्वारा चलाए जा रहे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करें, इस प्रक्रिया को सीखें और सिखाएं। अगला क्वेश्चन क्या है? सर, मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ मगर मैं अपने प्रोडक्ट खुद सेल कर पा रहा हूँ, न ही मेरी टीम के लोग सेल कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा व्यवसाय भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में सर मैं क्या करूँ? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपकी कंपनी का प्रोडक्ट दमदार नहीं हो। यदि ऐसा है तो उसमें न तो आप कुछ कर सकते हैं और न ही आपकी टीम। घटिया प्रोडक्ट को आप एक बार तो बेच सकते हैं लेकिन बार बार नहीं बेच सकते। दूसरा कारण यह है, हो सकता है कि कंपनी के प्रोडक्ट दमदार हैं लेकिन उसका पूर्ण ज्ञान न होने के कारण आप पूरे विश्वास के साथ प्रोडक्ट को दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको और आपकी टीम को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पहला काम आप यह करें कि अपने आप को सुधारें। सबसे पहले प्रोडक्ट की सही जानकारी लें। इसका सबसे सरल और अच्छा तरीका यही है कि आप प्रोडक्ट को पहले स्वयं इस्तेमाल करें, तभी आप ठीक से अपने प्रोडक्ट की खूबियों को जान पाएंगे। अपनी टीम को भी ऐसा ही करने के लिए कहें।
मेरा विश्वास है कि इस प्रकार जब आप स्वयं इस्तेमाल करने के बाद अपने प्रोडक्ट को किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ, उनकी गुणवत्ता और जीवन में उनकी अनिवार्यता को भी पूरी सच्चाई के साथ प्रस्तुत करने में सफल रहेंगे। इसके बाद ऐसा कोई कारण ही नहीं बचेगा कि लोग आपके साथ न जुड़ें और आपका प्रोडक्ट न बिके। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सर मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ा हूँ। कंपनी का बोर्ड ग्राउंड भी बेहद सॉलिड है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाई हुई है। प्रोडक्ट भी यूनिक है, यूजबल, काबिल तारीफ है, पर हाँ प्रोडक्ट के रेट बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में हम चाहे तो अपना प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं और नई तरक्की कर पा रहे हैं, ऐसे में हम क्या करना चाहिए जिससे लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदें और टीम में भी तेजी से तरक्की हो पाए। इसका जवाब है, देखिए तरक्की नहीं कर पाना या अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाना तथा प्रोडक्ट के रेट का बहुत ज़्यादा होना दोनों अलग अलग विषय हैं। अपनी व टीम की असफलता के लिए प्रोडक्ट के रेट को दोष देना ठीक नहीं है। इसमें दोष है आप में और आपकी टीम में। दरअसल जब आप ये मानते हैं कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट यूनिक है, दमदार है, तो इसका मतलब है कि आप लोग और आपकी और टीम उससे ठीक ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आपको वह आपकी टीम को प्रोडक्ट की सही पूरी जानकारी न हो। यह भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता और अहमियत की पूरी जानकारी न होने के कारण आप अपने प्रोडक्ट को पूरे विश्वास के साथ दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हों। हाँ, यदि प्रोडक्ट दमदार नहीं है तो आप क्या दूसरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपकी टीम भी लाख जोर लगाने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। वैसे प्रोडक्ट को आप एक बार तो बेच सकते लेकिन बार बार नहीं। दोस्तों उससे प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है कि आप अपनी टीम या चुनाव करने में गलती कर रहे हो। आपका क्राकिस वर्क का होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी झोपड़ी में रहने वाले से कहें कि आप हमारा सब होम सेफ्टी सिस्टम खरीद लीजिए या होम सेफ्टी सिस्टम आपके घर को शत प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करेगा। जरा सोचिए झोपड़ी में रहने वाले के पास ऐसा क्या होगा इसकी सुरक्षा के लिए वह चिंतित होगा। उसके लिए आपका वह प्रोडक्ट बेकार है। जबकि किसी कोठी में रहने वाले समक्ष यदि आपके होम सेफ्टी सिस्टम का अच्छी तरह प्रदर्शन करेंगे तो उसकी खूबियों के विषय के बारे में बताएंगे तो आपका प्रोडक्ट भले ही कितना भी महंगा क्यों ना हो वो हाथों तो हाथ ले लेगा क्योंकि उसे प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर स्वयं एक हेल्थ एंड वेलनेस संबंधित नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ा हूँ। हमारी कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स काबिल तारीफ हैं, वे शत प्रतिशत सक्सेसफुल हैं, मगर समस्या यह है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स बाजार में सस्ते दामों में बिक रहे हैं। ऐसे में मेरे ग्राहक मुझसे ये कहते हैं कि जब बाजार में प्रोडक्ट्स हमें सस्ते दामों में मिल रहे हैं तो हम आपको ज़्यादा पैसे देकर ये प्रोडक्ट्स क्यों खरीदें जब आप ही मुझे बताएंगे ऐसे में प्रोडक्ट्स कैसे बेचूँ, इस बाजार में ऐसी परिस्थिति चलते मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। ऐसे में आप अपने ग्राहकों को कुछ बातें समझाएं। नंबर एक, जो माल दुकानदार आपको दे रहा है क्या वह उस प्रोडक्ट के असली होने की गारंटी भी आपको दे रहा है? यदि नहीं तो जरा सोचिए क्यों। नंबर दो, क्या वह दुकानदार आपको उस प्रोडक्ट को बेचते हुए अपनी दुकान या अपनी फर्म का पक्का बिल दे रहा है? यदि नहीं तो क्यों। वह दुकानदार आपको न तो उस माल के 100% सही होने की गारंटी देगा और न ही आपको कंपनी के नाम का पक्का बिल देगा क्योंकि यह बात ग्राहक भले ही न जानता हो लेकिन दुकानदार अच्छी तरह जानता है कि या तो वह कंपनी के स्टोर से किसी के द्वारा चुराया गया माल अपनी दुकान पर बेच रहा है या फिर नकली प्रोडक्ट बेच रहा है। यही कारण होता है कि ऐसे माल के दुकानदार के पास कोई लिखित पड़त नहीं होती, इसलिए वह उसका पक्का बिल आपको कभी नहीं देगा क्योंकि वह ऐसे माल की खरीद फरोख्त दिखा सकता है। ऐसा माल नकली या चोरी किया हुआ बाहर से आता है, बिना पर्चों के बाहर ही बाहर बिक जाता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती वह माल असली है या नकली। क्या पता उस प्रोडक्ट के नाम पर वह क्या बेच रहा है। यह प्रोडक्ट शारीरिक रूप से आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। यह बात आप अच्छी तरह जानता है कि इस प्रकार नकली या मियाद ख़त्म वाला माल बेचकर वह ग्राहक की ज़िंदगी के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ कर रहा है। या यह भी हो सकता है कि किसी प्रतिद्वंदी कंपनी की या वह किसी प्रतिष्ठित कंपनी को बदनाम करने की नीयत से मोटे लालच में काम कर रहा है। यह एक बात ध्यान देने वाली है कि इस प्रकार काम करने वाले लोग कंपनी द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। इस सबको बरसाती मेंढक से अधिक की संज्ञा नहीं दी जा सकती। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं पहले ही 2-3 नेटवर्क कंपनी ज्वाइन कर चुका हूँ, उससे मैंने ठीक ठाक पैसे कमा लिए मगर मेरी टीम के सदस्य अधिक पैसा नहीं कमा पाए। अब तो कोई दूसरी अच्छी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ मगर डरता हूँ अब शायद मेरी टीम के लोग मेरे साथ जुड़े, ऐसे मैं क्या करूँ ना जुड़े तो। जब आप पहले भी 2-3 मार्केटिंग कंपनियों में ज्वाइन हो चुके हो और उन्हें आजमा भी चुके हो अब आपको यह जानने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आपको किस कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए। पिछले अनुभवों से आप बहुत सीख चुके हैं जिनका फ़ायदा अब आप उठा सकते हैं। अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग शक्ति का पता भी चल गया है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक आपकी पिछली टीम के साथ जुड़े रहने की बात है तो इस बात पर निर्भर करती है आपकी टीम से किस प्रकार तालमेल है, आपको उसके साथ कैसा व्यवहार
आप करते हैं, समय समय से किस प्रकार सहयोग देते हैं। यदि आपकी टीम और आपके बीच अच्छा तालमेल रहा है तो उससे कोई कारण नहीं, आपकी टीम आपके साथ ही जुड़ी रहेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मेरा डाउनलाइन काम नहीं कर रहा और नए ही वे लोग मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे दुख होता है कि मैं उन्हें इस खूबसूरत बिजनेस में लाया और मुझे ही वे लोग उचित सम्मान नहीं देते और गंभीरतापूर्वक कार्य नहीं करते। इसका जवाब है, यदि ऐसा है तो उसमें आपका ही दोष है। वस्तुतः आपके डाउनलाइन को इतना खूबसूरत बिजनेस दिए जाने के बावजूद भी आनंद होना चाहिए, उनको खुश होना चाहिए, एक गुरु की भांति आपको पूरा सम्मान देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप ही कहीं ना कहीं चूक गए। मसलन आपकी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, आप ठीक से उन्हें शिक्षित कर पाए और नहीं समझा पाए हैं। आप अवश्य ही अपने डाउनलाइन के समक्ष कोई हल्की बात कही है जिसकी आपकी इमेज उनकी नज़र में ख़राब हुई है। दरअसल होता यह है कि कुछ लोग अपनी डाउनलाइन के समक्ष अपनी निजी समस्या का पिटारा खोलकर बैठ जाते हैं, अपनी आर्थिक तंगी रोना उसके सामने रोने लगते हैं। इससे सामने वाले को आपको और आपके बिजनेस के प्रति गलत संदेश हो जाता है। वह सोचते हैं कि जो बिजनेस इसके मानसिक परेशानी का कारण बना हुआ है उसी बिजनेस में यह शख्स हमें धकेल रहा है, अथवा जो बिजनेस इस शख्स को आर्थिक सफलता प्रदान नहीं कर पा रहा तो स्वयं इधर उधर हाथ फैलाता फिर रहा है, इस बिजनेस से जुड़कर हमारा क्या उद्धार होगा। बस इसी प्रकार की धारणाएं उसके मन में आप अरुचि असमान नापसंदी का भाव पैदा कर देती है। इसी कारण वह भक्ति बिजनेस में जुड़े लेना भी बंद कर देता है, आपको सम्मान नहीं करता। हमेशा याद रखें, अपनी किसी भी समस्या का जिक्र अपनी डाउनलाइन के सामने ना करें, आर्थिक तंगी का रोना कभी भी उनके सामने ना करें, कितनी भी जटिल परिस्थितियां हैं अपने उसके सामने हाथ न फैलाएं, कभी भी उसके समक्ष निराशाजनक बात न करें, किसी बिजनेस की किसी भी कमी का अथवा किसी भी कमजोर पॉइंट का आप जिक्र ना करें, अपनी समस्या को अपने अपलाइन एक्टिव अपलाइन के साथ ही साझा करें। अगला सवाल क्या है हमारा, मैंने बहुत से लोगों को यह बिजनेस ज्वाइन करवाया मगर कोई काम ही नहीं करता, तो ऐसे में क्या करूं, बताइए सर। तो इस क्वेश्चन पर जवाब क्या है, इस बिजनेस में किसी को भी ज्वाइन करवा देने भर से कुछ नहीं होता, अतः किसी को भी बिजनेस प्लान समझाए बिना ज़बरदस्ती इस बिजनेस को ज्वाइन न कराएं। याद रखिए, इस बिजनेस में वही काम करेगा जिसे यह बिजनेस समझ में आ जाएगा, इसलिए आवश्यक है कि पहले आप स्वयं इस बिजनेस को सीखें और समझें, उसके बाद ही किसी दूसरे को सिखाएं। इस कोशिश में न रहें कि अधिक से अधिक लोग जबरन आपका बिजनेस ज्वाइन करें। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि यह बिजनेस केवल लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, यह एक लीडरशिप डेवलपमेंट का बिजनेस है। इसलिए इसमें कामयाबी पाने के लिए किसी अच्छे ट्रेनर से इस बिजनेस की बारीकियों को सीखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, साथ ही कंपनी एवं सिस्टम को भी फॉलो करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस बिजनेस के संदर्भ में जार्मन लियोनार्ड का यह कहना है, इस बिजनेस का नाम है भीड़ यानी संख्या। तो दोस्तों चलिए, इस सवाल का भी आपको आंसर मिल गया। ऑडियो बुक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।